थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, सबको आवाज़ क्लियर है? आवाज़ सबको आ रही क्लियर है? एक बार बता दो। यस यस एवरीवन। सो गाइस, ऑलरेडी हमने दो चैप्टर कर लिए, पहले बीआरएस, देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। स्टिल मैंने स्टडी मटेरियल से ही सब कंटेंट उठाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्स उठाया है, बट आपको चाहिए तो एक बार पूरा गो थ्रू करोगे तो बेटर होगा, एंड रिविजन के लिए आप ये वाले सब सम्स देख सकते हो। सो एवरीवन, नाउ ओके विद बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशन? यस सर, रेक्टिफिकेशन में डाउट्स है एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन में? ओके तनिष, फाइन, ओके ओके फाइन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गाइस, बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशन डाउट्स तो हो गए, ऑफकोर्स व्हेन यू स्टडी डाउट्स आने ही चाहिए, और वो क्लियर करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। जितना भी हमने किया है, कल सस्पेंस अकाउंट की बात की, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट की बात की, कैसे सब एंट्रीज की बात की, यस आज अकोमोडेशन ऑफ बिल भी करेंगे, बिल सब एक्सचेंज करने वाले हैं आज। यस, अकोमोडेशन में आपके लिए बहुत ईजी कर दूंगा, एक चीज़ बताऊंगा उस पर फोकस करना, दैट्स इट। अकोमोडेशन आज आ जाएगा, ये दो सम प्रैक्टिस करवा दूंगा अकोमोडेशन के। ओके एवरीवन रेडी नाउ? इतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट, जबरदस्त, सिर्फ 22 ही लाइक्स है। चलो दो मिनट में स्टार्ट करता हूँ, कितने लाइक्स बढ़ा सकते हो आप लोग? ओके ओके तनिष, आई विल टेक दैट, नो वरीज। हाँ, मेरा गला बैठा है आज, थोड़ा सा गला गया है। ओके चलो देखते हैं कितने लाइक्स तो कर दो। 86 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 22 लाइक्स है फिलहाल। वी जस्ट स्टार्टेड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक ऐसा चैप्टर है जो मैं 12th में किया था, तो आई विल स्टार्ट विथ जर्नी एंट्रीज। बेसिकली आपको मैं पूरा चार्ट बना के दे दूंगा, ड्रॉर और ड्रॉइंग का, एक दो बेसिक सम देखेंगे और अकोमोडेशन वाले सम्स करेंगे, दैट्स इट, इतना ही है चैप्टर में। चलो बट देखते हैं, आप लाइक्स अगर बढ़ा दीजिए, आपका अटेंडेंस भी लग जाएगा वो हिसाब से, जितने लाइक्स है उतने लोग देख रहे हैं। 91 पीपल वॉचिंग राइट नाउ, ठीक है एवरीवन। मेरा गला थोड़ा सा गया है गाइस, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट आपके लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिस इज माई फर्स्ट क्लास, डोंट वरी। इनिशियली यू हैव द बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशन का वीडियोस ऑन द यूट्यूब, यू कैन वॉच द वीडियोस। सर स्टडी मटेरियल नहीं है? स्टडी मटेरियल क्यों नहीं है? यस वॉर्म वाटर क्यों? हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, वन मोर चैप्टर। दिस चैप्टर एवरी वन वुड हैव डन इन द 12th स्टैंडर्ड और सेकेंड ईयर ऑफ देयर कॉलेज, सब ने कर लिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, इसमें बेसिक हमें करना है पहले, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में किया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो हम करेंगे पहले, उसके ऊपर एक पूरा ड्रॉर और ड्रॉइंग की सब एंट्रीज एक बार रिवाइज करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ड्रॉर और ड्रॉइंग की सब एंट्रीज रिवाइज करेंगे, एक छोटा सा बेसिक सम लेंगे, एंड अकोमोडेशन ऑफ बिल मैं आपको पूरा समझा दूंगा, आपका अकोमोडेशन ऑफ बिल हो जाएगा, सिंपल, दैट्स फाइन जानवी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन जस्ट टेक दिस लेक्चर फ्रॉम हियर, स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड सी दी ओल्ड वीडियोज, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ओके गाइज, सो कैन वी स्टार्ट फटाफट चैट पे? यस चाहिए सबके। और भाई आपने 59 लाइक्स तो कर दिए, बट 92 पीपल आर वॉचिंग, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट यू जस्ट टेक दैट थिंग अहेड। चलो हो जाना चाहिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं है रिविजन लेक्चर के लिए, बट वी कैन स्टार्ट नाउ, जस्ट इन 2 मिनट्स वी विल स्टार्ट। आप तब तक अपने लाइक्स बढ़ा दीजिए। साउंड कम आ रही है, रोज का ये प्रॉब्लम आपको होता है, साउंड कम आ रही है, बट बाकी लोगों को तो आ रही है, जस्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, साउंड कम आ रही है, ठीक है। चलो एवरीवन रेडी नाउ? यस 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 यस, बताइए एवरीवन रेडी? यस फॉर टुडेज लेक्चर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एनी डाउट गाइस, आप नंबर पे पोस्ट कीजिए, कोई बात नहीं है, कोई डाउट अगर मैं यहाँ पे भी देख लूंगा, आई विल टेक इट। रितिका ने आपको कोई डाउट भी सॉल्व किया, कोई स्टूडेंट ही स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं, चलो अच्छा है। चलो 65 लाइक्स भाई, 92 लोग देख रहे हैं, स्टार्ट करना है लेक्चर, लेट्स स्टार्ट इन अ मिनट, फाइन। ओके गाइस, सो जैसे बीआरएस 11th स्टैंडर्ड में किया था, रेक्टिफिकेशन 11th स्टैंडर्ड में किया था, और हमने उसको थोड़ा और ऊपर लेके गए और सीए फाउंडेशन के लिए हमने कर दिया। नाउ वी आर डूइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो सबने ये चैप्टर अपने 12th स्टैंडर्ड में किया ही होगा। ओके सो मैं पहले आपको एक पूरा चार्ट दे दूंगा,
जो आप जिसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो. इफ यू नो दी एंट्रीज वेरी गुड, इफ यू डोंट नो आपको एंट्रीज आ जाएगी. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. ओके, फर्स्ट आई विल मैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर पूरी आपकी जर्नल एंट्रीज मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा. फिर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई हम पूरी जर्नल एंट्री रिवाइज कर लेंगे एंड देन वी विल डू द सम्स एंड द योर फेवरेट पार्ट. अकोमोडेशन में डरना मना है, अकोमोडेशन में डरना मना है. अकोमोडेशन में आपके लिए बहुत ईजी कर दूंगा. यू नेवर आपको मालूम नहीं अकोमोडेशन यूजली एग्जाम में 10 मार्क और 20 मार्क के लिए भी पूछा गया है ऑलरेडी इन पास्ट एग्जाम्स. सो अकोमोडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ इट कम्स इट कैन कम फॉर 10 मार्क्स और 20 मार्क्स. ओके, यस, सो वी कैन स्टार्ट नाउ. परफेक्ट, यस यस, सागर पढ़ा देगा, अकोमोडेशन पढ़ा दूंगा, आप डोंट वरी. बट पहले बेसिक जर्नल एंट्रीज तो कर ले, फिर अकोमोडेशन तो अपने आप आ जाएगा आपको. या चलो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, अभी बिल्कुल एक्सेंट चैप्टर बना कैसे है थोड़ा सा देख लेते हैं. अगर समझो एक बंदा दूसरे बंदे को गुड्स बेचता है, कैश ट्रांजेक्शन है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत नहीं है. बट एक बंदा दूसरे बंदे को गुड्स खरीदता है या बेचता है ऑन क्रेडिट, तो यही शुरुआत है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर की. सो ड्रॉअर वो है जो माल बेचता है. मैं सीधा एकदम चैप्टर के कोर पे आऊंगा, जो इनिशियल्स है उसको मैं थोड़ा सा फटाफट बताऊंगा. तो पहले क्या करता है, गुड्स सोल्ड टू ड्रॉई, ड्रॉई मतलब जो सामने वाला बंदा है उसको हम ड्रॉई बोलते हैं, ऑन क्रेडिट. यहाँ से ये चैप्टर की शुरुआत होती है, गुड्स सोल्ड टू ड्रॉई ऑन क्रेडिट. तो फर्स्ट एंट्री आपके लिए मैं पूरा ये एंट्रीज रिवाइज करवाना चाहूँगा. अकोमोडेशन करेंगे आज ही करेंगे. ओके, दो सम करवा दूंगा चाहिए तो फाइन, मैं आपको भी टाइम दूंगा. बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक जर्नल एंट्रीज फर्स्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलो, गुड्स सोल्ड टू ड्रॉई ऑन क्रेडिट. तो पहले ड्रॉअर पहली एंट्री क्या करेगा क्रेडिट सेल्स की, बताइए. आप लोग चैट में लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू ड्रॉई ऑन क्रेडिट, ड्रॉअर ने ड्रॉई को माल बेचा है, तो ड्रॉअर एंट्री क्या करेगा. चलो लेट्स स्टार्ट गाइस, एवरीवन चलो चैट पे बताइए. अकोमोडेशन हो जाएगा गाइस, मैं बोल रहा हूँ तो. और सिर्फ 73 लाइक से 104 लोग देख रहे अभी, तो इतने ज़्यादा लोग हो. बताइए पहली वाली जर्नल एंट्री क्या होगी. एवरीवन, गुड्स सोल्ड टू ड्रॉई ऑन क्रेडिट, कोई मुझे चैट पे जर्नल एंट्री लिख के बता सकता है. एवरीवन चलो स्टार्ट, ड्रॉअर क्या जर्नल एंट्री करेगा बताइए. डेटर्स टू सेल्स या डेटर्स या ड्रॉई, ऑफकोर्स उसको मैं डेटर्स भी बोल सकता हूं. यस यस, इजी हो जाएगा ऑफकोर्स. तो एंट्री क्या होगी, पहले ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ड्रॉई को मैं मेरे बुक्स में डेटर भी बोल सकता हूं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, ड्रॉई टू सेल्स. अभी मैंने ड्रॉई को माल बेच दिया उधारी पे, बट ड्रॉई के पास पैसा नहीं है. तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तूने गुड्स उधारी पे ले लिया है तो मुझे 3 महीने बाद पैसा देना. बट मुझे डर लग रहा है कि शायद से उसने मुझे 3 महीने बाद पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दूंगा. सबने 12th साल में एक फॉर्मेट बनाया होगा 5 मार्क्स के लिए, खास करके जो महाराष्ट्र बोर्ड से है. तो अभी ड्रॉअर ने माल बेचने के बाद ड्रॉई पे बिल ड्रॉ करेगा. तो बिल ड्रॉ करने से क्या होगी जर्नल एंट्री, मैं सेकेंड जर्नल एंट्री पे जाता हूँ. जैसे ही ड्रॉ ड्रॉई को एक बिल लेके जाएगा, ड्रॉई को बोलेगा तू साइन कर कि भाई तूने मेरे पास से गुड्स खरीदा है और तू कमिट कर रहा है कि तू मुझे 3 महीने बाद पैसा देगा. उसको स्टैम्प करवाएगा और वो बिल अपने पास लेके आएगा. सो सेकेंड एंट्री विल बी, एक नया असेट हमारे बुक्स में क्रिएट होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एक नया एसेट. बट अभी डेटर भी एक एसेट है, बिल रिसीवेबल भी एक एसेट है, तो एक ही जन दो एसेट तो बन नहीं सकता. सो नाउ माई डेटर हैज़ बिकम माई बिल रिसीवेबल. तो अभी हम लोग ड्रॉई को बुक से निकाल देंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट. तो आप देख सकते हो इसकी कंबाइन एंट्री. अगर मैं बताऊँ कंबाइन एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है, बट जो मेरा डेटर था वही मेरा बिल रिसीवेबल बनता है. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, बिल रिसीवेबल का जन्म कहाँ से होता है. बिल रिसीवेबल का जन्म ही होता है डेटर्स से. जैसे बैड डेट्स डेटर्स से पैदा होते हैं, RDD बैड डेट्स के बाद आता है, RFDD आता है, वैसे बिल रिसीवेबल होने के लिए पहले उसको मुझे मेरा डेटर बनना ही पड़ेगा. ठीक है, तो अभी एक बुक में दो एसेट तो रह नहीं सकते. तो जो मेरा डेटर है वो मेरा बिल रिसीवेबल बन गया, तो वो मेरे बुक में भी डेटर नहीं है, वो मेरा बिल रिसीवेबल है. एवरीवन, आई थिंक ये एकदम सिंपल तरीके से वापस मैं बता रहा हूँ, पहले बेसिक एक क्लियर कर देता हूँ मैं आपके लिए. यस यस, परफेक्ट, एवरीवन क्लियर या ओके, एवरीवन क्लियर. चलो अभी क्या करेगा, अभी ये बिल किसके पास है, ऑफकोर्स ये बिल अभी ड्रॉअर के पास है. तो ड्रॉअर ये बिल के साथ क्या क्या कर सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि हम तो उसके पास साइन करके ये
एक बिल है, ये बिल है जो मैं साइन करके मैं अपने पास लेके आया हूँ। अभी ये मैं बिल के साथ क्या क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर हम कंडीशन देखते हैं। यस, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं चार कंडीशन लिख देता हूँ क्या कर सकते हैं बिल के साथ। या तो मैं ये बैंक, इसको मैं रिटेन कर सकता हूँ, बिल को अपने घर पे रखूँगा, रिटेन कर दूंगा, ये बिल को मैं अपने पास ही रख दूंगा। चलो बिल साइन करके मेरे कबट में रख दूंगा, मेरे अलमारी में रख दूंगा। या तो मैं ये बिल को अपने बैंक के पास लेके जा सकता हूँ, ये बिल मैं अपने बैंक के पास लेके जा सकता हूँ, ये बिल मैं एंडोसी के पास लेके जा सकता हूँ, एंडोसी देखेंगे क्या होता है। और ये बिल को मैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये चार चीज़ें आपको पढ़नी है। ये बिल के साथ हम चार चीज़ें कर सकते हैं। ड्रॉअर ने ड्रॉई को माल बेचा, ड्रॉई ने फिर वो बिल पे साइन करके ड्रॉअर अपने घर पे लेके आया। अभी ड्रॉअर ये बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, ही कैन डू फोर थिंग्स। वो रिटेन कर सकता है, मतलब अपने पास खुद के पास रख सकता है बिल घर पे 3 महीने तक, या फिर वो बिल को लेके बैंक के पास जा सकता है, या तो बिल को लेके एंडोसी के पास जा सकता है, या फिर वो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो देखते हैं सबकी एंट्रीज क्या होगी, एक एक करके हर एक केस की एंट्री देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, बिल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। फाइन इनफ, तो अगर मुझे अपने बिल को अपने कबट में रखनी है, रिटेन करना है, तो उसके लिए कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मुझे कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। बट समझो समझो, मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया है और बिल में लेके आओ, बट मुझे इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत अभी पड़ती है। लाइक आज मैंने माल बिल लेके आया, आपको माल तो भेज दिया है और आपने कमिट किया है कि आप मुझे 3 महीने के बाद पैसा दोगे, बट मुझे पैसे की ज़रूरत अभी ही पड़ी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बिल को बैंक के पास लेके जाऊँगा, बैंक को बोलूँगा ए बैंक मुझे पैसे दे, तो बैंक मुझे पैसे दे देगा और वो बिल बिल रिसीवल के लिए मैं बीआर लिख रहा हूँ, बिल बैंक के पास चला जाएगा। नाउ बिल इज़ विद बैंक, वो एसेट देखो डेबिट किया था, एसेट मेरे बुक से निकल गया है और मुझे बैंक से पैसे मिल गए। बट बैंक क्या है, सर्विस फ्री में करेगा? नहीं, बैंक इसके लिए मुझे, मेरे पास एक चार्जेस लेगा जिसको हम बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवल। आई होप ये सबको मालूम होगा, बहुत बार किया होगा, राइट? यस, काफ़ी लोगों ने आंसर्स भी लिखे हैं कि एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवल। इसका मतलब क्या हुआ है, वो बिल अभी बैंक के पास चला गया है और बैंक ने मेरे उसके लिए पैसे दे दिए है, तो मेरा काम तो खत्म हो गया, मुझे पैसे मिल चुके हैं, बट पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ चार्जेस कट के बैंक मुझे पैसे देगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। एंडोसी, ये एंडोसी कौन होता है? एंडोसी हमारे बेसिकली क्रिएटर होते हैं। कौन होते हैं हमारे? क्रिएटर्स। एंडोसी आर बेसिकली अवर क्रिएटर्स, ठीक है? अभी समझो, मैंने आपको माल बेच, थर्ड कंडीशन, मैंने आपको माल बेचा था, आप तो मेरे डेटर हो और बिल में लेके आया, मुझे मालूम है कि मुझे मेरे क्रिएटर को भी पैसा देना है, मेरा क्रिएटर था जिसको मुझे पैसे देना है, तो मैंने अपने क्रिएटर को क्या बोला, भाई ये ले ले बिल, ये बिल ले ले और ड्यू डेट पे तू मेरे डेटर से पैसे ले लेना। तो एंडोसी को मैं बिल दे दूंगा, तो हम लोग एंडोसी को डेबिट करेंगे, क्रिएटर को डेबिट करेंगे, मतलब क्रिएटर को डेबिट करेंगे तो बुक से निकल जाएगा ना, क्योंकि मैंने इसका हिसाब चुका कर दिया टू बिल रिसीवर अकाउंट, एंडोसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर अकाउंट। सिंपल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे तो नो एंट्री। हाँ यस संदीप, आई एम अ सी ए है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़िए। तो वो बिल जो मैं लेके आया उसके साथ हम चार चीज़ें कर सकते हैं। पहला चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, रिटेन कर सकता हूँ, मतलब वो बिल को वो मेरे घर पे रखूँगा जिसके लिए मुझे कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल को मैं बैंक के पास लेके जाऊँगा तो मैं बैंक को डेबिट करूँगा, डिस्काउंट को डेबिट करूँगा तो बिल रिसीवेबल। अगर एंडोसी के पास जाऊँगा तो एंडोसी को डेबिट करूँगा टू बिल रिसीवेबल। सो नाउ वी गो टू द फोर्थ थिंग, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सिंपल है, अगर मैं बैंक वाले केस में बैंक को डेबिट कर रहा हूँ, एंडोसी वाले केस में एंडोसी को डेबिट कर रहा हूँ, तो अगर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के केस में मैं किसको डेबिट करूँगा? सिंपल आंसर, मैं डेबिट करूँगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सिंपल। तो ये आपको पहले, ये चारों में से कोई भी एक केस आ सकता है, विच यू नीड टू नो, ठीक है? सिंपल है। तो पहले आप माल बेचोगे, माल बेचने की जर्नी एंट्री आपको 11th स्टैंडर्ड में से आती है। माल बेचने के बाद आप उसके बाद बिल ड्रॉ करोगे, वो बिल आपके पास आ गया है। वो बिल के साथ आप क्वेश्चन में आपको चार ही चीज़ मिलेगी, चार से पांचवी चीज़ नहीं मिलेगी। या तो आप वो बिल को रिटेन करोगे, रिटेन करने की कोई एंट्री नहीं होती है, या तो वो बिल को आप बैंक के पास लेके जाओगे तो बैंक को डेबिट करोगे, अगर एंडोसी के पास लेके जाओगे तो एंडोसी को डेबिट करोगे, और BST BFC है तो BST BFC को डेबिट करोगे। और हर केस में आप किसको क्रिएट कर रहे हो? बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। यस, परफेक्ट। तो ये अपना पहली वाली एंट्रीज हो गई कि
अभी आगे स्टोरी बढ़ाते हैं, आगे की स्टोरी बढ़ाते हैं। अभी ये जो बिल, आगे की स्टोरी देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। ओके, अभी आगे ये बिल आते ऑनर हो सकता है या तो ये डिसऑनर हो सकता है, राइट। आगे या तो ये बिल ऑनर हो सकता है या डिसऑनर हो सकता है, कंडीशन की एंट्री हो गई। बट आगे या तो ये बिल के मुझे पैसे मिलेंगे या तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो हर एक केस में आप ऑनर और डिसऑनर को देखते हैं। पहले वाले केस में अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो आई विल राइट कैश अकाउंट डेबिट, पैसे मिल गए टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। याद रखना लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, लोग करते हैं भाई पैसे मिल गए तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का नाम होना चाहिए ना, डेटर ने पैसे दिए। बट आप ही सोचिए, आपने ऑलरेडी डेटर को क्या बना दिया है, आपने डेटर को बना दिया बिल रिसीवेबल, और अभी बिल रिसीवेबल वाला एसेट आपको पैसा दे रहा है, तो कैश टू बिल रिसीवेबल करना पड़ेगा। डेटर तो आपकी बुक में वो है ही नहीं ना अभी। सो प्लीज़ यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। रिटेन वाले केस में ऑनर की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ओके फाइन, बैंक चार्जेस और वो सब अलग देखेंगे, डिस्काउंट की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंड वाले केस में अब हम आ जाते हैं। सेकेंड वाले केस में क्या होगा, सेकेंड वाले केस में ड्रॉइंग ने मुझे पैसे दिए कि बैंक को पैसे दिए हैं, क्योंकि मैं तो बैंक के पास से पैसे लेके आ गया, राइट। तो मेरा तो पैसे का काम हो गया। तो सेकेंड वाले केस में ऑनर हुआ, मतलब ड्रॉइंग ने बैंक को पैसे दे दिए, तो मुझे कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पैसे मिल गए ना भाई। ऊपर देखिए ना, बैंक अकाउंट डेबिट लिखा है, ठीक ठीक है। और एंडोसी वाले केस में, एंडोसी वाले केस में क्या होगा, एंडोसी वाले केस में भी कैसे हम देखेंगे, एंडोसी वाले केस में भी अगर उसने बिल ऑनर किया है तो उसने पैसे किसको दिए हो गए, तो एंडोसी वाले केस में भी ड्रॉइंग ने एंडोसी को पैसे दिए, तो मेरे को इसमें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, फाइन। तो ये दोनों केस में ऑनर की एंट्री कुछ भी नहीं होगी, फाइन। बट बीएसटी बीएफसी वाले केस में मुझे पैसा आएगा मेरे बैंक में, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएसटी बीएफसी अकाउंट। आई होप ये सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, बताइए यहाँ तक ये सबको क्लियर है, ये सब एंट्रीज ऑनर की एंट्रीज, एवरीवन इज क्लियर, फटाफट चैट पे यस करके बताइए इफ एवरीवन इज क्लियर। यस बताइए, एवरीवन इज क्लियर विद दिस ऑल द एंट्रीज राइट नाउ, जितनी भी मैंने अब तक एंट्रीज आपको लिखाई है फ्रॉम द स्टार्ट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, फटाफट चैट में यस करके बताइए अगर आपको क्लियर है तो। ऐसे भी आना ही चाहिए, ये आपने एंट्रीज ऑलरेडी की होगी 12th स्टैंडर्ड में, बट आप एक बार फटाफट मुझे चैट में यस करके बताइए, ठीक है। एवरीवन क्लियर, फटाफट यस में चैट में यस करके बताइए इफ क्लियर विद ऑल दिस एंट्रीज। आपको आती होगी बट एक बार रिविजन ही हो रहा है, बिकॉज इट्स अ रिविजन लेक्चर, आई होप आपको ये सब आता है। मैं आपके लिए इजी वे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, सो आपको रिमेंबर हो जाए। परफेक्ट एवरीवन, यस 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 यस, जितने भी लोग देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेट ग्रेट, चलो थैंक यू सो मच। बट ऑनर नहीं भी होगा, अगर ऑनर बिल नहीं होगा तो बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा। तो डिसऑनर का मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, डिसऑनर होना मतलब ड्रॉइंग ने पैसे नहीं दिए, ड्रॉइंग ने पैसे नहीं दिए, तो हर एक केस में हम किसको डेबिट कर देंगे, ड्रॉइ को डेबिट कर देंगे। डिसऑनर की एंट्री में ड्रॉइ हर केस में डेबिट होता है, कोई भी केस हो, कौन डेबिट होता है डिसऑनर की एंट्री में, ड्रॉइ, ड्रॉइ हर केस में डेबिट होगा, कोई भी केस हो, कोई भी कंडीशन हो, डिसऑनर की एंट्री में ड्रॉइ हमेशा डेबिट होगा। सिंपल है ना, मैंने डेटर को बनाया था बिल रिसीवेबल, अभी बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो वापस क्या बन गया, मेरा डेटर बन गया, सिंपल। तो हर एक केस में, हर एक केस की एंट्री में डिसऑनर की एंट्री में डी डेबिट हमेशा होता है ड्रॉइ, ट्रिपल डी। डिसऑनर की एंट्री में डेबिट हमेशा कौन होता है, ड्रॉइ। डिसऑनर की एंट्री में डेबिट हमेशा कौन होता है, ड्रॉ ही होता है। एंड सर क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट भी देख लेते हैं, क्रेडिट की भी बात कर लेते हैं। सर क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा रिस्पेक्टिव कंडीशन। रिस्पेक्टिव कंडीशन मतलब ये कौन सी वाली कंडीशन थी, बैंक, तो हम इसको बैंक को क्रेडिट करेंगे। इसमें इसमें कौन सी वाली कंडीशन थी, एंडोसी, तो ऊपर एंडोसी वाली कंडीशन थी तो हम एंडोसी को क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे कौन सी कंडीशन थी, बी एस टी बी एफ सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी एस टी बी एफ सी, तो जो कंडीशन है उसको हम क्रेडिट करेंगे। बट सर फर्स्ट वाली कंडीशन में तो कोई कंडीशन ही नहीं थी, तो वो वापस मेरा बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। आई होप मैंने आपको ये इजी तरीके से एंट्री रिमेंबर करवा दी है फॉर ईच स्टेज, देख लीजिए। आई होप एवरीवन रिमेंबर दिस, क्या ये सबको समझा, ये पूरा चार्ट अगर चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी एंट्रीज आने वाली है, एक चार्ट फॉर्म में आपको आंसर दे रहा हूँ। आई नो एवरीवन सबको ये आता है, ये सबने किया है बहुत बार, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया ही होगा, बट स्टिल आपके लिए एक रिविजन हो जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है, फटाफट चैट में बताइए, क्लियर 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 लिख के बताओगे,
अगर क्लियर है तो, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट में डाल सकता है, यहाँ तक बताइए। एवरीवन क्लियर? चलो सुबह क्लियर क्लियर क्लियर, अगर आप चैट में लिख दोगे तो मुझे समझ जाएगा कि यहाँ तक की सब एंट्रीज आपको क्लियर है। इट्स जस्ट अ रिविजन गाइस, जस्ट एक बार वापस हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। क्लियर एवरीवन? चलो सुपर। तो गाइस वापस मैं रिपीट करता हूँ, एक होता है ड्रॉअर, दूसरा होता है ड्रॉय। ड्रॉअर ड्रॉय को पहले माल बेचेगा तो उधारी वाली एंट्री, फिर ड्रॉअर ड्रॉय पे बिल ड्रॉ करेगा तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री, फिर वो बिल किसके पास है? ड्रॉअर के पास है। तो वो बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? या तो वो रिटेन कर सकता है, या फिर बैंक के पास जा सकता है, या तो फिर वो एंडोसी के पास जा सकता है, या बीएसटी बीएफसी के पास जाता है। तो उसकी कंडीशन की पहले हमें एंट्री करनी है। तो मैंने एक सिंपल तरीके से याद करवाया, जो कंडीशन है उसको डेबिट करो। बैंक के पास गया, बैंक को डेबिट करो। एंडोसी के पास गया, एंडोसी को डेबिट करो। बीएसटी बीएफसी के पास गया, बीएसटी बीएफसी को डेबिट करो। क्रेडिट हर केस में क्या करो? बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल, सिंपल सिंपल। अभी या तो ड्यू डेट पे बिल ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा। ऑनर में सिर्फ फर्स्ट और लास्ट केस में ही एंट्री आती है। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले केस में तो मुझे बैंक से ऑलरेडी पैसे मिल गए ना बिल डिस्काउंट करवा के, और सेकंड वाले केस, थर्ड वाले केस में तो मेरा वो क्रेडिटर को पैसा देने वाला है, मुझे थोड़ी ना देने वाला है। तो इसलिए सेकंड और थर्ड केस में एंट्री ऑनर की नहीं आती। एंड डिसऑनर वाले केस में भी मैंने आपको समझा दिया, डिसऑनर वाले केस में हम हर चीज़ में किसको डेबिट करेंगे? डिसऑनर वाले केस में हम डेबिट करेंगे ड्रॉई 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 ड्रॉई। डिसऑनर की एंट्री में हमेशा डेबिट कौन होता है? ड्रॉई। ओके फाइन परफेक्ट। अभी क्या हो सकता है और क्या क्या हो सकता है? अगर चलो बिल डिसऑनर हो गया, ऑनर हो गया तो सम खत्म हो जाता है, ऑनर हो गया तो सम खत्म, बट डिसऑनर होने के बाद अभी भी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी उसने ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए, तो हमें और कुछ आगे एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो क्या कोई मुझे बता सकता है आगे हमें और क्या करना होगा? समझो बिल डिसऑनर हो गया है तो उसके आगे की स्टोरी क्या बढ़ेगी? आफ्टर वंस द बिल इज डिसऑनर तो आगे की स्टोरी क्या होगी बताइए। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो गाइस उनको शायद से लग सकता है थोड़ा क्विक, बिकॉज ये एंट्रीज आपने ट्वेल्थ में बहुत बार की होगी, यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर थिंग। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार एंट्रीज रिवाइज करवाना चाहता हूँ, जिसको आता है, जिसको नहीं आता है वो लोग के लिए थोड़ा सा मैं इजी कर दूंगा। सो वंस दे रिवाइज, वंस दे नो दे कैन रिवाइज फ्रॉम दिस वीडियो। यस, तो मुझे बताइए अभी आगे क्या होगा? अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो आगे हमें क्या करना होगा? क्या लगता है आपको और कौन कौन से केसेस आपको करना है? कैन एनीवन सी मी? हाँ, नोटिंग चार्जेस भी है, बट नोटिंग चार्जेस हम बाद में देखेंगे। मुझे बताइए और क्या आ सकता है? चलो बिल डिसऑनर हो गया, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, इंसॉल्वेंसी हो सकती है, ठीक है। तनिष बोल रहे इंसॉल्वेंट, रिया ने कुछ बोला है न्यू बिल इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट, बट इसको एक वर्ड बोलते हैं एक और चीज़ को। तो एक और जो थर्ड वाला टेबल में जो बना होगा, इट इज़ फॉर रिन्यूअल ऑफ अ बिल। अभी क्वेश्चन में आ सकता है, मैं वापस एक बार रिपीट करूँगा, माल बेचा बिल ड्रॉ किया, चारों में से कोई भी एक कंडीशन आ गई, कंडीशन की हमने एंट्रीज की, फिर अभी बिल डिसऑनर हो गया तो आगे की स्टोरी तो बढ़ानी पड़ेगी, तो आगे आ सकता है रिन्यूअल ऑफ अ बिल। और रिन्यूअल ऑफ अ बिल में आपको चार एंट्री याद रखनी है। रिन्यूअल में टोटल कितनी एंट्री आती है? टोटल चार एंट्री आती है, ठीक है। मैं सम जो बोल रहा हूँ वही फ्लो में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, यही फ्लो में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। रिन्यूअल ऑफ अ बिल, तो रिन्यूअल ऑफ अ बिल मतलब पहले तो आपको डिसऑनर की एंट्री करनी है। बिल रिन्यू करने को कभी भी बोलेगा तो आपको पहले डिसऑनर की एंट्री करनी है जो ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो रिन्यूअल ऑफ अ बिल में फर्स्ट एंट्री होती है डिसऑनर की, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि बिल का रिन्यू करना मतलब उसके मतलब पहला बिल को डिसऑनर होना, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है। तो बिल डिसऑनर, फिर आप क्या करोगे? चलो वो बिल तो डिसऑनर हो गया है, तो आप अपने क्लाइंट को बोलोगे भाई चलो पहला वाला बिल डिसऑनर हो गया है, मैं आपकी गलती माफ़ करता हूँ, बट यार कुछ तो पैसे दे दे, अभी मुझे कुछ तो पैसे दे दे। वो वाला बिल डिसऑनर हो गया बट तू मुझे कुछ तो पैसे दे दे। तो सेकेंड वाली एंट्री होती है पार्ट पेमेंट की, किसकी होती है? पार्ट पेमेंट की। तो पार्ट पेमेंट में वो शायद से मुझे कुछ पैसे दे, ना भी दे सकता है या दे भी सकता है। तो पार्ट पेमेंट की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे बिल रिसीवेबल लिख के मत आना, यहाँ पे बिल रिसीवेबल था ऑनर पे, क्योंकि वो बिल रिसीवेबल था और उसने मुझे पैसे दिए। यहाँ पे तो डिसऑनर होने के बाद वो बिल रिसीवेबल वापस मेरा डेटर बन गया है, तो इसलिए वो डेटर मुझे पैसा दे रहा है। तो याद रखना यहाँ पे कैश टू ड्रॉई है, नॉट नॉट
बिल रिसीवेबल, ठीक है। फिर 5 मिनट के बाद हम लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, मैंने तेरे पे 1 लाख रुपए का बिल ड्रॉ किया था, तूने मुझे 20,000 रुपये दे दिए 5 मिनट में, बट बाकी के 80,000 रुपये मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। अब क्या चार्ज करोगे उसके ऊपर? इंटरेस्ट चार्ज करोगे, बिकॉज भाई और डिले कर रहा है ना, तो इंटरेस्ट चार्ज करने की पहले एंट्री होगी। अब ड्रॉई को डेबिट करोगे, ऑल डेटर बन जाएगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, आपके लिए तो इनकम है ना, बिकॉज आप इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करो, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करोगे, ओके। और मैं एक बार आपके डाउट्स देखूंगा, जस्ट मैं एक बार इंटरेस्ट लिख दूँ, और अगर वो ऑन द स्पॉट मुझे इंटरेस्ट के भी पैसे देने के लिए तैयार है, चलो इंटरेस्ट चार्ज किया और बोलता है ये ले भाई इंटरेस्ट के पैसे अभी मुँह पे, मेरे मुँह पे अभी वो इंटरेस्ट के भी पैसे फेंक रहा है, तो एक और एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। सो ये एंट्री आप तभी करोगे जब वो इंटरेस्ट के पैसे भी मुझे अभी के अभी देने के लिए रेडी है। जैसे कि उसने 1 लाख में से 20,000 दे दिए, फिर मैंने बोला 80,000 के ऊपर इंटरेस्ट 1,000 रुपये लग रहा है, तो 1,000 रुपये अगर वो मुझे अभी के अभी दे दे, तो मुझे 2 एंट्री करनी पड़ेगी, मेरे 1,000 रुपये चार्ज करने की और 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिलने की। समझा ये सबको? और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट के लिए बन जाएगा न्यू बिल, मतलब सम रिस्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप पे हम पहुंच जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेज पे सम पहुंच जाएगा। आई होप यहाँ तक ये रिन्यूअल की चारों एंट्री सबको क्लियर है। देखिए सबने किया ही होगा, जस्ट वापस मैं बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट ए रिविजन लेक्चर फॉर यू, सो दैट जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था उनके लिए और क्लैरिटी हो जाएगी। बिल डिसऑर्डर होने के बाद दो चीज़ हो सकती है, एक रिन्यूअल हो सकता है और इंस्टॉलमेंसी हो सकती है। अभी हम रिन्यूअल की बात कर रहे हैं। जैसे वो रिन्यूअल की बात करेगा, आपको चार चीज़ ट्रिगर करनी है। पहले तो डिसऑर्डर करना है, फिर पार्ट पेमेंट मांगना है, पार्ट पेमेंट करने के बाद आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करोगे और न्यू बिल। कभी कभी वो लोग डायरेक्टली मेंशन करते कि रिन्यूअल है, या फिर वो लोग लेके कि इंटरेस्ट चार्ज किया है, पार्ट पेमेंट मिला है, तो यही जाएगा सम, और कुछ नहीं हो सकता है। डिसऑर्डर होने के बाद या तो रिन्यूअल में जाएगा तो इंसॉल्वेंसी में जाएगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये रिन्यूअल ऑफ एंट्री की सबको एंट्री सबको क्लियर है? चलो मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो एवरीवन क्लियर विथ रिन्यूअल की चारों एंट्री? बताइए एवरीवन क्लियर? मुझे चैट पे क्लियर 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 चाहिए। एवरीवन बताइए, इफ क्लियर बताइए एवरीवन, क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस क्लियर 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 बताइए। वेटिंग फॉर ऑल दी चार्ज, जितने भी लोग हैं अटेंड कर रहे हैं, 89-90 पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं। सुपर सुपर, चलो ग्रेट। अभी ये तो सम रिस्टार्ट कर दिया, रिन्यूअल हो गया, अभी और क्या हो सकता है? ये तो नया बिल बन गया, मतलब सम रिस्टार्ट हो गया, सम रिस्टार्ट हो गया मतलब स्टेज वन पे चला गया। अभी एक और चीज़ हमारे साथ बुरी ये हो सकती है कि वो बंदा बन गया इंसॉल्वेंट। ड्रॉय क्या बन गया? ड्रॉय बोलता है भाई अभी मेरा पैसा है ही नहीं। तो जैसे इंसॉल्वेंसी भी आएगी, इसमें आपको 2 एंट्री करनी है। इंसॉल्वेंसी में कितनी एंट्री करनी है? 2। पहले तो आपको डिसऑनर की एंट्री करनी है, एंड डिसऑनर की एंट्री हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। डिसऑनर की एंट्री में हमेशा डेबिट होता है ड्रॉई, डिसऑनर की एंट्री में हमेशा डेबिट होता है ड्रॉई, डी डी डी, डिसऑनर की एंट्री में हमेशा डेबिट होता है ड्रॉई। एंड सेकेंड, सिंस अभी थर्ड एंट्री होगी, ए बी सी डी तो सबको पढ़ना आता है, तो बी सी और डी, बी सी एंड डी, जितना पैसा नहीं मिलेगा वो जाएगा बैड डेट्स में, जो पैसा मिला उसको हम लोग कैश अकाउंट में डाल देंगे और हम लोग हमारे ड्रॉई को बुक से निकाल देंगे, एंड दिस इज इट। मैंने आपको एक बार पूरी जनरल एंट्री जस्ट एज अ फ्लो में बता दी, आई होप काफ़ी लोगों को आती है, बट एक और बार एक रिविजन, बिकॉज अभी हम अकोमोडेशन ऑफ बिल करेंगे तभी मैं आपको जनरल एंट्री सीधा जनरल एंट्रीज पर लेके जाऊँगा, मेरा मोर फोकस होगा अकोमोडेशन ऑफ बिल पे। तो ये इंसॉल्वेंसी भी एक सिंपल चीज़ थी, पहले इंसॉल्वेंसी में भी 2 एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी डिसऑनर की ऑफ ए बी सी डी, बी फॉर बैड डेट्स, सी फॉर कैश एंड डी फॉर ड्रॉ। फाइन एवरीवन, फाइन एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, एक दो चीज़ और है, नोटिंग चार्ज और वो सब, बट मैंने 99% हर एक चीज़ कवर कर ली है। इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू गो थ्रू यू कैन गो थ्रू अगेन, पूरा चार्ट बना के आपको दे दिया है, पूरा सम ही है, पूरा सम का डिज़ाइन कर दिया है। इनफैक्ट हमने एक छोटा सा सम ही सॉल्व कर दिया है, एक छोटा सा सम ही सॉल्व कर दिया है। आपको सम में क्या आता है? ड्रॉअर ने मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो पहले हम लोग एंट्री करके बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर लिखा होगा ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, तो बिल रिसीवेबल टू बी,
फिर उसके बाद आपको चारों में से कोई भी एक कंडीशन दी होगी, क्वेश्चन में लिखा होगा कि मिस्टर ए ने बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया, मिस्टर ए ने एंडोर्स किया टू डी, या फिर मिस्टर ए ने बीएसटी बीएफसी किया, जो है वो करेंगे और क्या है, तो पहली वाली एंट्री करेंगे। फिर लिखा होगा क्वेश्चन में कि भाई मिस्टर बी के पास पैसा है तो ऑनर की एंट्री पास कर दो, नहीं है तो डिसऑनर की एंट्री पास कर दो। ऑनर हो गया तो सम तभी का तभी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, ऑनर हो गया ना, और क्या है, ख़त्म हो गया। बट मिस्टर बी बोलते हैं पैसा नहीं है तो सम विल कंटिन्यू अहेड, तो आगे क्या क्या आ सकता है, या तो वो बोलेगा मुझे और टाइम दो, और टाइम दो मतलब रिन्यूअल ऑफ अ बिल, और टाइम दो मतलब रिन्यूअल ऑफ अ बिल, रिन्यूअल मतलब चार एंट्री, पहले डिसऑनर की, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट एंड देन न्यू बिल। और इससे भी और ख़राब क्या हो सकता है, वो टाइम क्या दे रहा है, वो भाग गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो इंसॉल्वेंट में दो एंट्री। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, बताइए एवरीवन क्लियर, एवरीवन एक और बार क्लियर चाहिए इंसॉल्वेंसी के बाद, एवरीवन 82 पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं, चार्ट्स आ रहे हैं आपके, बताइए क्या ये भी क्लियर है एवरीवन। चलो बताइए क्लियर ईच एंड एवरीवन इन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। बताइए बता रहे हैं एवरीवन, बताइए, चलो क्लियर क्लियर एवरीवन। संदीप जायसवाल यस यस, पिनल, पीयूष, नाजनी यस, अभिजीत, रितिका, जितने भी लोग हैं बताइए, सानिया वाई ओके, तन्वी, तनिष, सुप्रिया, कृष्णा पांडे, फाइन फाइन फाइन, ठीक है चलो थैंक यू सो मच। एक और एंट्री हो सकती है रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, एक और हो सकता है रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, सबको मालूम है रिटायरमेंट ऑफ अ बिल क्या होता है, समझो मैंने आपको 3 महीने का टाइम दिया था और आपने मुझे उसके पैसे 2 महीने में ही दे दिए, मैंने आपको 3 महीने का टाइम दिया था ना बिल ड्रॉ करने का, बट आपने 2 महीने में मुझे पैसे दे दिए, तो बेसिकली ये ऑनरिंग ऑफ अ बिल ही होता है, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल मतलब ऑनरिंग ऑफ अ बिल बट बिफोर ड्यू डेट। तो सिंस आपने मुझे जल्दी पैसे दिए तो आप मुझे पैसे तो दोगे कैश अकाउंट डेबिट, बट सिंस आप मुझे 1 महीना जल्दी दे रहे हो मैं आपको 1 महीने का रिबेट भी दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर अकाउंट, तो ये भी एक केस हम लोग कर सकते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, ठीक है ये क्लियर है एवरीवन। हाँ तनिष आपने बताया ना आपको मैंने नंबर शेयर किया है, क्योंकि आपका जो डाउट है वो वाले चैप्टर का है ना, रेक्टिवेशन ऑफ एरर्स का डाउट है जो भी आपने पूछा, यस तो आप डाल दीजिए, मैंने आपको नंबर बोला राइट, आपको चाहिए तो मैं आपको 1-on-1 बताऊंगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा राइट टू क्लियर, बिकॉज अकाउंट्स में बहुत सारे सम्स होते हैं, तो आई विल प्रीफर कि दैट आप उसमें डालिए एंड आई विल हेल्प यू आउट 100%, हैव दैट नंबर, यस फाइन आप कर सकते हो, आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए ना इसके लिए, बिकॉज इसमें क्या जर्नल एंट्रीज होती है वो वाला चैप्टर फ्लो थोड़ा सा वो चला जाएगा, तो अगर आपको कुछ भी आप लिख दीजिए या फिर आप चैट में लिख सकते हो या तो फिर आप वो डाउट हेल्पलाइन नंबर में 100% पोस्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 1-on-1 मिल जाएगा, शायद से मेरा कॉल भी आ जाए आपको, इतना हम लोग क्लोज हो जाएंगे, फाइन क्लियर। सो गाइज एवरीवन क्लियर हियर, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल भी सबको क्लियर है, पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, यस संदीप पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, चलो तो ये हमने इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर किया है, यस ये हमने इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर किया है, यस 7-2 वाला जो यहाँ पे नंबर दिया गया, अगेन आई एम रिपीट बिफोर में ड्रॉइंग के बुक्स में जाओ, ये वाले नंबर पे आप स्कैन करके या तो ज्वाइन हो जाइए या तो ये वाला नंबर आपके पास है, एवरीवन कैन सी दिस नंबर, लिख दीजिए जिसको चाहिए वो नंबर लिख दीजिए, एवरीवन कैन राइट डाउन दिस नंबर। चलो ग्रेट, सो गाइस नोटिंग चार्जेस वाला केस में बाद में ले लूंगा चाहिए तो, ये इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर मैंने पूरा आपको रिवाइज कर दिया, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर सब कुछ हो गया है ठीक है, इसमें और कोई नहीं है, एक नोटिंग चार्ज वाली एंट्री आती है जिसको अलग से देख सकते हैं, रिटायरमेंट हो गया, रिन्यूअल हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, सब कुछ हो गया है, तो अभी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ भी एक बार कर देख लेते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो आई विल गिव यू टाइम, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलो रिबेट की जगह पे रिबेट ही रखे महेश, दैट विल बी बेटर बिकॉज डिस्काउंट वर्ड वी आर यूजिंग इन डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, तो ये थोड़ा बाइफिकेशन होगा तो बेटर है, अदरवाइज बोथ आर राइट,
अदरवाइज बोथ आर राइट। हो गया स्क्रीनशॉट पेज वन का, चलो इसका स्क्रीनशॉट हो गया रहेगा। रिन्यूअल ऑफ अ बिल का और इंस्टॉलमेंसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो जिसको चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको चाहिए। परफेक्ट क्लियर ओके। नाउ इसका भी ले लीजिए रिटायरमेंट ऑफ अ बिल का। रिबेट ही लिखिए क्योंकि डिस्काउंट वर्ड वहां पे है। यस ओके। अभी आप मुझे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई आप मुझे एंट्री बताओगे और मैं लिखूंगा, ठीक है। यस किसी को कुछ क्वेश्चन है? चलो मैं आपको 2 मिनट देता हूं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को चैट पे डाल सकते हो, कुछ अलग फॉर्मूला के हिसाब से जाते हैं। चलो किसी को कोई भी क्वेश्चन है इसके पहले बिल्स ऑफ एक्शन में होगा तो गाइस नेक्स्ट टाइम कल लेक्चर चाहिए तो वैसा हम थोड़े डाउट्स भी रख देंगे बिकॉज वो चैप्टर का फ्लो ना हो डिस्टर्ब, बट ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट नंबर, दैट्स आपका हो जाएगा सॉल्व विद इन 24 to 48 hours। यस एनी क्वेश्चंस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये सब चैप्टर तो सबको आता होगा, पार्टनरशिप में आपको मैं ईजी कर दूंगा। पार्टनरशिप में यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग आ सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट भीजिए। पार्टनरशिप एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में आपको बहुत ईजी कर दूंगा क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम है वो मैं अच्छे से करवा दूंगा। ये सब 90% ऑफ द क्राउड्स को ये सब एंट्रीज आती होगी आई नो। अकोमोडेशन ऑफ बिल में प्रॉब्लम है वो मैं अच्छे से दो सम करवा दूंगा, ठीक है। चलो नो डाउट्स ग्रेट 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 ओके अकोमोडेशन डन है। चलो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई आ जाते हैं। ड्रॉई तो ड्रॉई पहले क्या करता है गुड्स को परचेस करता है, अगर उसने सेल किया तो गुड्स क्या करेगा परचेस करेगा, गुड्स परचेस फ्रॉम ड्रॉअर पहली एंट्री। गुड्स परचेस फ्रॉम ड्रॉअर क्या होगी जनरल एंट्री, कौन बताएगा बताइए। गुड्स परचेस फ्रॉम ड्रॉअर एंट्री बताइए। चलो पार्टनरशिप करेंगे आई विल गिव यू दिस, आपको वो मिल जाएगा टाइम टेबल में, आप देख सकते हो कि पार्टनरशिप कभी है हो जाएगा। अकोमोडेशन के लिए इधर सब बैठे मुझे मालूम है काफी लोग को ये आता है 80-90% क्राउड को ये आता है। चलो रितिका ने मुझे आंसर दे दिया है यस, तो पहली एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट, ड्रॉअर मेरा बन गया है क्रेडिटर, क्या बन गया मेरा क्रेडिटर। अभी हम बिल उसने मेरे पे बिल ड्रॉ किया है तो हम बिल को क्या करेंगे बिल को एक्सेप्ट करेंगे। चलो बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री बताइए, अभी आप बताएंगे फिर मैं लिखूंगा ओके महेश ने तो आंसर भी दे दिया है ओके। परचेस टू बिल्स पेबल नहीं आएगा ना, नाजनी ने आंसर दिया है परचेस टू ड्रॉअर वो, चलो पहली वाली एंट्री। सेकंड वाली एंट्री क्या आएगी बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या आएगी, व्हाट विल बी एंट्री फॉर एक्सेप्टिंग द बिल। अभी मैं अपने क्रिएटर को बुक से निकाल दूंगा, अभी वो क्रेडिटर मेरा एक क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है वो भी मेरी दूसरी लायबिलिटी बन जाएगी, तो ड्रॉअर को मैं बुक से निकाल दूंगा डेबिट करके। अभी वो मेरा क्रेडिटर नहीं है बट वो कौन सी मेरी लायबिलिटी बन गई, वो मेरा बन गया बिल्स पेबल अकाउंट। तो यहाँ पे वापस बिल्स पेबल का भी जन्म कहाँ से होता है, बिल्स पेबल को भी जन्म देने वाला होता है क्रेडिटर, क्रेडिटर से ही बिल्स पेबल बनते हैं। आप देख सकते हो ये क्रेडिटर से ही मेरा बिल्स पेबल बना है, तो ये सब चीज़ें मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा याद रहे। बिल्स रिसीबल पहले डेटर बनता है फिर बिल रिसीबल बनता है, वैसे ही बिल्स पेबल पहले क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर से बिल्स पेबल बनते हैं, ठीक है परफेक्ट सुपर चलो नाइस। अभी मैं वही तरीके से चार्ट बनाऊंगा, मैंने क्या वहाँ पे चार कंडीशन लिखी थी उस पर हम आगे बढ़ते हैं। या तो ड्रॉअर बिल को रिटेन करेगा, या तो ड्रॉअर वो बिल को बैंक में लेके जाएगा, या तो ड्रॉअर वो बिल को एंडोर्स करेगा, या तो ड्रॉअर वो बिल के साथ बीएसटी बीएफसी करेगा, राइट। मैंने यही बताया था, मैं वही फ्लो में आपको ये बताऊंगा ड्रॉअर ये बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, ये चार चीज़ें कर सकता है राइट। अभी ये सब चीज़ें रिटेन अपने कबट में कौन रख रहा है, ड्रॉअर अपने कबट में रख रहा है, वो ड्रॉअर बैंक के पास गया
ड्रॉअर एंडोसी के पास गया, ड्रॉअर ने बीएसटी बीएफसी किया, तो मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये कोई भी केस क्वेश्चन में दिया हो, मुझे हर केस में मेरी होगी नो एंट्री, हर एक केस में मेरी एंट्री, वो कुछ भी करे बिल के साथ मुझे फर्क पड़ता नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया होगा कि ड्रॉअर ने बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया, ड्रॉअर को कोई एंट्री नहीं करनी है, ड्रॉअर ने बिल को एंडोर्स किया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो आराम से 3 महीना चिल करूँगा, क्योंकि मैं 3 महीने बाद पैसे देने जाऊँगा तभी मैं अपना प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा या पैसे दे दूँगा, बट तब तक मैं चिल करूँगा। आई होप ये क्लियर है, ये क्लियर है सबको कि इसमें कोई भी एंट्री नहीं आएगी। फटाफट मुझे यस 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 चाहिए। चलो बताइए, एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर विद दिस? बताइए एवरीवन कि कोई एंट्री ड्रॉई को करने की जरूरत नहीं है इन ऑल द केसेस? बताइए यस 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 ओके ओके फाइन, वेटिंग फॉर ऑल मोर यस। जितने भी ज्यादा यस आ रहे हैं तो मालूम पड़ेगा लोग सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। संदीप देखेंगे शेड्यूल ऑफ द लेक्चर, आपको टेक्निकल टीम से भी मिल जाएगा इफ़ यू वांट, डोंट वरी। अभी हम लोग सीधे ड्यू डेट पे आते हैं, या तो बिल ऑनर होगा या तो बिल डिसऑनर होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, हर एक केस में ऑनर की एक ही एंट्री है। क्या एंट्री? बिल्स पेबल भी, लाइबिलिटी भी बुक से निकल जाएगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी को बुक से निकाल दो। देखो क्रेडिटर्स बना बिल्स पेबल, अभी बिल्स पेबल भी पैसा दे रहा है तो खत्म हो गया, बिल्स पेबल को बुक से खत्म कर देंगे टू कैश अकाउंट, खत्म, ओवर एंड आउट। कोई भी केस हो, हम उसके बैंक को पैसे देने को जाए, हम उसके एंडोसी को पैसे देने को जाए, हमें हम बीएसटी बीएससी करें, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिल्स पेबल टू कैश, खत्म। कोई भी केस हो आपको इसमें एक ही एंट्री करनी है। दिस इज एक्चुअली मोर इजियर देन ड्रॉअर। कोई भी केस हो हमें एक ही एंट्री करनी है, और अगर डिसऑनर हुआ है तो भी सब केस में एक ही एंट्री है। बिल्स पेबल बुक से निकल जाएगा और वो वापस मेरा बन जाएगा क्रेडिटर, वापस मेरा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। सिंपल, सो इजी, खत्म खत्म, ओवर। यही तो है, बस यही तो मुद्दा है कि जिसको आता था उनके लिए और अच्छा रिवीजन हो जाए। ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्ट के रिवीजन के पहले आपको थोड़ी चीज़ें आते हो, बिकॉज एकदम बेसिक से जाना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर्स ऑल्सो इन अ डे ऑन अ टाइम टेबल गिवन टू अस। बट आई कैन हेल्प दोस्त, जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उनका और अच्छे से हो जाए। आई होप ये सबको क्लियर है। बताइए क्या क्लियर कर दिया मैंने अच्छे से आपके लिए? कोई भी केस हो बताइए, फटाफट बताइए चैट पे। जितने भी लोग देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपना प्रेशियस टाइम दे रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स आपकी मेहनत होगी तब आप जाके आपको अच्छा रिजल्ट भी आएंगे। क्या ये सबको क्लियर है? फटाफट चैट में यस 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 बताइए। बताइए फटाफट, एवरीवन क्लियर? कितना इजी है देखो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। कोई भी केस हो ऑनर की एंट्री, सिंपल मैं करता हूँ, एक और इजी ट्रिक बताता हूँ। ऑनर हो या डिसऑनर हो, दोनों में बिल्स पेबल ही डेबिट होता है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई ऑनर हो या डिसऑनर हो, बिल्स पेबल ही डेबिट होता है, क्योंकि बिल्स पेबल को दोनों तरीके से बुक से फेंक देना है। एक ऑनर हो गया मतलब पैसे दे के फेंक दो, डिसऑनर हुआ मतलब उसको फेंक के वापस क्रेडिटर बना दो। सिंपल टू अंडरस्टैंड, बस ये अकाउंट्स की लैंग्वेज है। फाइन क्लियर? देखो गाइस ऐसा नहीं है, एवरी सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, बस आपका क्या बैकग्राउंड है आई डोंट नो। यहाँ पे हम बहुत कम टाइम के लिए मिल रहे हैं। ऑफकोर्स आप क्लास में आते हो, 11 से पढ़ रहे हो, तो आई नो किसको क्या आता है, सो इट इज़ इन बिटवीन। हमें भी एक लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ऑल दी कंस्ट्रेंट्स, अदरवाइज आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स के लिए तो हम जीरो से भी जाने के लिए तैयार है, बट समटाइम्स हम वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आएगे मार्क्स महेश, कोई बात नहीं, डोंट बी डिस्करेज, होता है कभी कभी, इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता है, बट कीप ऑन ट्राइंग, आपको होप लूज नहीं करना है, 100% हो जाएगा। यस, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे मैंने उसी में बताया था रिन्यूअल ऑफ अ बिल, तो यहाँ पे भी मैं वही लिखूंगा, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। रिन्यूअल ऑफ अ बिल में भी हमें 4 एंट्री करनी है सेम तरीके से जैसे उसमें की थी, इसमें भी 4 एंट्री ही होगी, जब वहाँ पे भी 4 एंट्री, यहाँ पे भी 4 एंट्री। पहली एंट्री डिसऑनर की जो आपको आती है, सेकेंड एंट्री पार्ट पेमेंट की, यहाँ पे हमें पैसे देने हैं, हमें पैसे देने किसको देने हैं, ड्रॉअर को पैसे देने हैं, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉअर को पैसे दे देंगे भाई चलो कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया, फिर वो बोलेगा भाई हमारे पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा सेम वे में,
जो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था एग्जैक्टली द सेम वे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वापस मेरा वो क्रेडिटर बन जाएगा थोड़े और अमाउंट से। और अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट हम उसको अभी ही देने के लिए तैयार है अभी का अभी, तो एक और एंट्री हो जाएगी ड्रॉ टू कैश। यस यू कैन कंबाइन बोथ दिस एंट्री, अगर किसी को डाउट है तो आप ये दोनों एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ए से भी फटाफट जा रहा हूँ एंड देन वापस बनेगा न्यू बिल, मतलब सम अभी वापस फर्स्ट स्टेज पे आ जाएगा। आई होप ये भी क्लियर है। तो जैसे वहाँ पे भी जैसे रिन्यूअल की चार एंट्री थी, यहाँ पे भी रिन्यूअल की चार एंट्री एग्जैक्टली सेम, पहले डिसऑनर फिर पार्ट पेमेंट, बस पार्ट पेमेंट संभालना, हमें पैसे देने वाला पार्ट पेमेंट करना, बाकी हमें अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट चार्ज होगा तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है डेबिट होगा, इंटरेस्ट चार्ज करो। फिर क्वेश्चन में रीड करो, क्या इंटरेस्ट का पैसा भी हम अभी दे रहे हैं या बाद में दे रहे हैं? अभी दे रहे हैं तो नीचे ग्रीन जो सर्कल किया वो एंट्री भी करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट की दो एंट्री करनी पड़ेगी एंड देन अगेन सम गोज टू स्टेज वन, न्यू बिल बन जाएगा। क्लियर एवरीवन? फटाफट मेरे को चैट पे वापस यस चाहिए, फटाफट मुझे चैट पे वापस यस चाहिए अगर ये क्लियर है तो। और जितने लोग नए हैं बताइए, सबको क्लियर है? एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, यस 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 यस, अगर क्लियर है तो चलो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनरशिप आपका मैं इजी 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 बहुत कर दूंगा भाई, आप टेंशन मत लो, आपका गुडविल ऐसे ही हो जाएगा, आपको लगेगा भाई क्या हुआ, एकदम सिंपल हो जाएगा। तो जो चीज़ आती है वो आपको आती है, बट जो चीज़ नहीं आती उस पर भी हम वर्क करेंगे। एवरीवन क्लियर? फटाफट चैट में मुझे यस लिख के बता दीजिए। यस लिख देता हूँ, चलो बिल्स पेबल टू ड्रॉ एंट्री लिख देता हूँ। चलो अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बाद में ले लेना, एक और एंट्री में करवा देता हूँ। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट, अभी वहाँ पे मैंने इंसॉल्वेंसी बोला था, ये वाले केस में इंसॉल्वेंसी को बोलते हैं डेफिशिएंसी, वहाँ पे इंसॉल्वेंसी लिखा था, यहाँ पे मैं डेफिशिएंसी लिखूंगा। वहाँ पे मैंने इंसॉल्वेंसी में आपको कितनी एंट्री लिखवाई थी? दो, यहाँ पे भी दो एंट्री, पहली एंट्री डिसऑनर की और वहाँ पे मैंने क्या बोला था बी सी डी, यहाँ पे आपको रखना है डी सी और डी, डी सी डी, डी फॉर ड्रॉअर, ड्रॉअर को डेबिट करके बुक से निकाल देंगे, क्रेडिटर को डेबिट करके बुक से निकाल दो, जितना पैसा दे पाओगे उसके लिए कैश और जो पैसा नहीं दे पाओगे उसके लिए डेफिशिएंसी अकाउंट। सिंपल, आई होप मैंने आपके लिए इजी कर दिया है चार्ट बना के। एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? अभी ये वापस बताइए, रिन्यूअल ऑफ अ बिल और डेफिशिएंसी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 20 सेकंड्स दे रहा हूँ, चलो बताइए। क्लियर? चलो ग्रेट, सब लोग क्लियर गाइस, वेटिंग फॉर दी यस, चैट पे यस क्लियर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ भाई। इतने ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, अपने लाइक्स को 91 पे ही रखा है, 100 तो कर दो, देखते हैं 100 कर पाते हो कि नहीं, 100 करोगे तो समझ जाएगा कि हाँ इतने सारे लोग अच्छे से देख रहे हैं। 91 लाइक्स भी अटक गए आज, चलो सुपर सुपर क्लियर, नाइस 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 नाइस, ओके परफेक्ट परफेक्ट। अभी मैंने वहाँ पे भी करवाया था रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, रिटायरमेंट मतलब हमने बिल को ऑनर कर दिया, तो ऑनर की एंट्री मैंने बताई थी, ऑनर हो या डिसऑनर हमें बिल्स पेबल को ही डेबिट करना है, तो हम बिल्स पेबल को ही डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, बट हम थोड़ा पैसा, ये ऑनर की एंट्री, ऑनर की एंट्री लिख दी, बट सिंपल है, हम पैसा थोड़ा सा कम देंगे बिकॉज हमने जल्दी पेमेंट कर दिया है टू रिबेट अकाउंट। सिंपल, ये हो गया आपका रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, परफेक्ट एवरीवन। मैंने पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको एक बार, सिर्फ नोटिंग चार्जेस वाली चीज बाकी, पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने एक बार वापस पूरा गो थ्रू कर दिया, पूरा का पूरा हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वापस गो थ्रू कर दिया, ठीक है। आई होप ये सब जर्नलिटीज आपको ऑलरेडी आती होगी, ठीक है, इसलिए हमने वापस रिवाइज कर लिया है। जिनको नहीं आती होगी ये वीडियो को दो तीन बार देख सकते हैं टू मेक इट मोर क्लियर
एंड प्रैक्टिस करते हैं। बट प्लीज़ गाइज कॉन्सेप्ट से पढ़िए कोई चीज़, जनरेटरी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जनरेटरीज तो आप 11th स्टैंडर्ड के बेस से ही कर रहे हैं एंड यू शुड नो, राइट? यू शुड नो। ओके फाइन एवरीवन, आई थिंक ये सबको क्लियर है। सुपर, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके फाइन फाइन ओके। अभी काम करते हैं, किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है? एनीवन वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ये लीजिए, जिसको लेना है वो लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो जस्ट कीपिंग द एक एक आपको 20-15 सेकंड्स दे रहा हूँ, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो इसका भी ले लीजिए। ओके लिखा है तो ग्रेट, सुपर लिखा है तो, अगर जिनका रह गया है तो दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके एंड नाउ द फाइनल मैटर। सुपर, चलो काम करते हैं। आपके लिए एक सरप्राइज करता हूँ, पहले अकोमोडेशन से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करें पहले अकोमोडेशन से, करवा दूँ दो सम, एक सम मैं करता हूँ, एक सम में पूरा आप आंसर दोगे। क्या अकोमोडेशन से स्टार्ट करें बताइए, इफ एवरीवन अग्रीज थोड़ा। नहीं तो क्या, डिनर के बाद थोड़ी लोग सैड हो जाते हो, थक जाते हो, तो चलो पहले ही कुछ रॉकेट करते हैं, फिर तो एंड में ईजी होगा। तो चलो आपके फायदे के लिए मैं पहले अकोमोडेशन ऑफ बिल से स्टार्ट करता हूँ, बताइए। यस 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 एवरीवन, आरटीपी भी आप करिए, अगर आपको डाउट है तो ऑफकोर्स आप पोस्ट कर सकते हो, बट राइट नाउ आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टडी मटेरियल। एवरीवन क्लियर? अकोमोडेशन से स्टार्ट करें, एक एक चीज, एक सब मैं करो, एक सब मैं आपके लिए भी टाइम दूंगा चलो करने के लिए। एवरीवन रेडी? चलो यस लिखिए, क्योंकि मैंने देखा है दो दिन के पैटर्न से, डिनर के बाद अभी ज़्यादा लोग देखते हैं, 100 जितने लोग देखते हैं, फिर वो ब्रेक के बाद 80s में लोग चले जाते हैं, कम लोग चले जाते हैं, थक गए होते हैं या फिर डिनर टाइम पर चले जाते हैं इसके लिए। ओके चलो सब लोग यस 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 बोल रहे हैं, फाइन। अकोमोडेशन ऑफ बिल गाइस, आई नो सबको अकोमोडेशन ऑफ बिल के बारे में मालूम होगा, बट स्टिल मैं थोड़ा सा इसका शॉर्ट ब्रीफिंग दे देता हूँ कि अकोमोडेशन ऑफ बिल होता क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। समझो मुझे भी पैसे की जरूरत है और आपको भी पैसे की जरूरत है, अज्यूम करो, ठीक है? वी आर बोथ इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फंड। तो मुझे भी 50,000 रुपये की, अप्रॉक्सीमेटली 49,000 है, 50,000 रुपये की जरूरत है और आपको भी 50,000 रुपये की जरूरत है। तो हमने क्या किया, मैंने आपको बोला कि चलो मैं आपके ऊपर बिल ड्रॉ करता हूँ, 1,01,000 का बिल ड्रॉ करता हूँ। ऑफकोर्स मुझे 50,000 की जरूरत है और आपको भी 50,000 की जरूरत है, बट मैंने आपके ऊपर 1,01,000 रुपये का बिल ड्रॉ कर दिया। मैंने आपको कोई माल वाल नहीं बेचा है, बट मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया 1,01,000 का। तो मैं बन गया ड्रॉअर और आप बन गए ड्रॉई। अभी मैं वो बिल में आपने साइन किया और वो बिल मैं अपने पास लेके आया। अभी मैं बिल के पास साथ क्या करूँगा, अभी ये बिल मैं अपनी बैंक के पास लेके जाऊँगा, बैंक को बोलूँगा, बैंक के साथ मैं बिल को डिस्काउंट करवा दूँगा। तो बैंक क्या करेगी, वो 1,01,000 में से 1,000 रुपये अपने पास रखेगी, चलो डिस्काउंट का 1,000 रुपये, और मुझे 1,00,000 रुपये दे देगी। देखो काम बन गया, मुझे 1,00,000 रुपये मिल गए हैं, और वो 1,00,000 रुपये में से मैं 50,000 रुपये मैं आपको दे दूंगा और 50,000 रुपये मैं अपने पास रखूँगा, और हमारा फंड का अरेंजमेंट हो गया। हमारा फंड का अरेंजमेंट हो गया ना, आपके पास भी आ गया, आप मेरे पास भी आ गया, नो टेंशन, अपना काम हो गया। और ड्यू डेट पे जब भी बैंक आपके पास पैसे मांगने आएगी तो आप अपना पैसा दे देना, मैं अपना पैसा दे दूंगा और सम खत्म, बराबर ना? ड्यू डेट में बैंक तो पैसे मांगने आएगी ना, तो ऑनर कर देंगे। ऑनर करने पे आप बैंक को अपना 50,000 रुपये देना ना, मैं भी बैंक को 50,000 आपके थ्रू दे दूंगा, एंड सम गेट्स ओवर। यही होता है अकोमोडेशन ऑफ बिल, बट इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, ड्यू डेट पे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। या तो मैं और आप में से कोई तो कोई फ्रॉड करेगा और पैसे नहीं देगा एंड वापे है, तो ये हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सम कैसे सॉल्व करना है। जर्नल एंट्रीज वही है जो हमने ऑलरेडी कर ली है, सो डोंट वरी। मैं एक दो वर्किंग नोट बता दूंगा, ये दो वर्किंग नोट आपका सुपर हो जाएगा, काम बन जाएगा, आपका अकोमोडेशन ऑफ बिल का काम बन जाएगा। आप कोई भी सम उठा के स्टडी मटेरियल के आप 5 पेपर्स के उठा के कर सकते हो। सो आई होप नाउ एवरीवन इज रेडी टू स्टार्ट विद द सम्स। फटाफट यस 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 चैट में लिखिए।
फटाफट चैट में यस 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 लिखे, वी विल स्टार्ट विद दी सम। चलो यस 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 लिखे, वी कैन स्टार्ट विद दी सम। मैं आपके जेब में पैसा है? नहीं नहीं भाई, कोई पैसा नहीं है, सब लोग फंड की रिक्वायरमेंट में है। चलो फटाफट चैट में यस 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 लिखे, मैं आपको एक सुपर वर्किंग नोट बताऊंगा, शांति से सुनना। एक सम मैं करूंगा, एक सम आप पूरा मुझे हेल्प करोगे, चैट में आप लोग आंसर दोगे, अकोमोडेशन खत्म, फिर एक बेसिक सम थोड़ा एक दो देखेंगे और अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म, ठीक है? चलो सुपर, यस 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 यस, ग्रेट 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 ग्रेट। और भाई 96 लाइक्स ये 100 तक पहुंचा दो अकोमोडेशन करने से पहले, 100 तक चले जाए तो बेटर है ना, 100 तक चला जाएगा। थैंक यू सो मच जितने भी लोग देख रहे हैं, जिनको मैं कुछ ना कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ डिफरेंट वे, क्योंकि हमारा काम भी ये है, बट आपको जो मार्क्स आते हैं वो ज़्यादा मोटिवेट करते हैं यहाँ पे लोगों को टू वर्क मोर हार्डर, जैसे मैंने कल ही बताया था, ठीक है? देख रहे हैं 500 रुपये, कोई 500 रुपया नहीं भाई, 20 रुपये का नोट है यहाँ पे, कौन सा 500 रुपया है? ठीक है चलो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टडी मटेरियल में भी है, हमने अपने नोट्स में भी डाला है, तो 6.19 है, 98 हो चुका है। ओह थैंक यू सो मच, 98 तक पहुंच चुके, पर 100 तक नहीं पहुंचाएगा इस। चलो कोई बात नहीं सर, कैसे मालूम पड़ेगा कि अकोमोडेशन ऑफ बिल वाला सम है? तो लेट्स सी, शांति से देखिए, ये सम मैं ले रहा हूँ, ओके? चाहिए तो मैं ऐसा एक सम लेता हूँ जिसमें दोनों टू वे सम है, तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों हो जाएगा। चलो ये वाला सम करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग दोनों के बुक्स में सम कर सकते हैं, मज़ा आएगा, एक्स भी दोनों के बुक में करें, बस यही सम एग्जाम में आ गया है। लेट्स स्टार्ट, मैं जर्नल एंट्री को सिर्फ टिक मार्क करने वाला हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे वर्किंग नोट बना के दूंगा आपको, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। एक्स एंड वाई, एक्स ड्रॉस अ बिल ऑन वाई फॉर 30,000। एक्स ने वाई के ऊपर 30,000 का बिल ड्रॉ किया है फॉर 3 मंथ्स, ओके? पहले हम लोग सम देखते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई करना है, जितना हम लोग ने पढ़ लिया है उतने की हम लोग जर्नल एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन दी बुक्स ऑफ एक्स और इन दी बुक्स ऑफ वाई जॉन एंट्री करते, जितना भी येलो मैंने टिक मार्क किया उसकी एंट्री करते हैं, आई थिंक ये सबको आता है। तो एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स एंट्री करेगा जब बिल ड्रॉ किया है इन दी बुक्स ऑफ एक्स, क्या एंट्री होगी, बिल रिसीबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। मैंने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया है तो मैं एंट्री करूँगा बिल रिसीबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, मैं ड्रॉ रू वाई ड्रॉ ही है। तो आई थिंक ये पहली एंट्री सबको क्लियर होगी, जिसको मैं डबल टिक मार्क करता हूँ। डबल टिक मार्क मतलब ये सबको आता है, इसमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम वाई क्या जनरल एंट्री करेगा इन द बुक्स ऑफ वाई, वाई ने बिल को एक्सेप्ट किया है तो हम लोग ने अभी चार्ट में लिखा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप ये सबको पहली एंट्री क्लियर है। जैसे मैंने दो एंट्री कर ली है, मुझे चैट में सबका यस चाहिए, आई वॉन्ट 100% पार्टिसिपेशन वाइल डूइंग अकोमोडेशन ऑफ बिल। क्या ये पहली एंट्री क्लियर है? सिंपल सिंपल जनरल एंट्री पहली वाली, एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया है। आई होप ये सबको क्लियर है, फटाफट आप चैट पे यस कर दीजिए, बताइए, ठीक है? एवरीवन क्लियर, यस 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 यस, मुझे फटाफट बता दीजिए फटाफट बता दीजिए, पहली एंट्री सबको क्लियर। X और Y दो लोग थे, X और X ने Y के ऊपर बिल ड्रॉ किया, Y ने बिल को एक्सेप्ट किया, फटाफट चैट में यस 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 बताइए। चलो सुपर सुपर, चलो ग्रेट ग्रेट। अभी आगे बढ़ते हैं सब में, Y एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड्स इट टू X, ऑफकोर्स Y ने बिल को एक्सेप्ट किया और हु गॉट इट डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो X ने बिल बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया। 30,000 का बिल था, बैंक ने मुझे सिर्फ 28,800 रुपये दिए, तो 200 रुपये सबको ऑनवर्ड डिस्काउंट का है। तो यहाँ पे एक्स गया है बैंक के पास बिल डिस्काउंट करवाने, तो यहाँ पे एक्स को जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। एक्स क्या जनरल एंट्री करेगा, एक्स सबको मालूम है कि वही दिन पे एक्स फटाफट वही दिन पे भागा बैंक के पास से पैसे लेके आया 1200 है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिखोगे तो बेटर है टू बिल रिसीबल अकाउंट। ये भी हमने ऊपर अभी अंडरस्टैंड किया, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, सिंपल जनरल एंट्री। सुपर, समझ गया ये? क्या ये वाला में कोई वाई कोई एंट्री करेगा, यस और नो? क्या वाई जब एक्स बैंक के पास गया था बिल डिस्काउंट करवाने, तो क्या वाई ये यहाँ पे कोई जनरल एंट्री करेगा, बताइए यस या नो?
मुझे यस या नो में आंसर चाहिए। विल वाई डू अ जनरल एंट्री? ओके जनरल बोल रहा है नहीं, ओके नो, ओके वही नहीं नो, सत्यम ओके ग्रेट। देखते कितने लोग आंसर है, क्या वाई को यहाँ पे कोई जनरल एंट्री करने की जरूरत है या नहीं है, क्या वाई यहाँ पे कोई एंट्री कर, फटाफट चैट में आंसर दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। सुपर सुपर 15 16 15 16 लोगों ने नो 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 लिख दिया है, और भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं बताइए। ओके नो नो सुपर, तो यहाँ पे वाई इसके लिए कोई भी जनरल एंट्री नहीं करेगा। अभी एक्स के पास 20,800 रुपीज़ आ चुके हैं, यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट भी बनाता हूँ बिल वन के लिए। एक्स वाई टोटल ध्यान देना, ये जनरल ये आपको लिखना है, तो कितने का बिल था टोटल, ग्रॉस अमाउंट लेस डिस्काउंट, मैं एक वर्किंग नोट बना देता हूँ, और नेट अमाउंट कितने का बिल था, 30,000 का बिल था जिसमें से 1200 रुपये डिस्काउंट हो गए, जिसमें से 28,800 नेट अमाउंट हो गया, ठीक है 28,800 नेट अमाउंट हो गया। ओके नाउ अंडरस्टैंड दिस, अभी आपको समझने का टाइम आ गया है। एक्स ने वाई को रिमिट कर दिए 9,600, मतलब 28,800 में से एक्स को कितने पैसे मिले थे, 28,800, उसमें से उसने 9,600 किसको दे दिए, वाई को। तो काम करते हैं, वर्किंग नोट में हम डालेंगे, नेट अमाउंट में से दिया तो वाई का मैं 9,600 यहाँ पे लिख दूंगा। क्या ये सबको समझा, मैं 9,600 वर्किंग नोट में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, सिर्फ वर्किंग नोट को समझिए। 28,800 में से मैंने 9,600 रुपये वाई को दे दिए, एवरीवन क्लियर? ये 9,600 यहाँ पे आएगा मेरी वर्किंग नोट में, एवरीवन क्लियर? क्यों मैंने 9,600 यहाँ पे लिखा बताइए, एवरीवन क्लियर 9,600 का, बताइए 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 बताइए, मुझे कैलकुलेटर ऑन करने दीजिए मोबाइल पे। एवरीवन क्लियर, 28,800 में से 9,600 वाई को दे दिए, ठीक है। तो बाकी का मैं सब कुछ रेड से डालूंगा, बिकॉज वो हमें फाइंड करना, अभी बाकी का रिमेनिंग फिगर्स हम लोग सब में फाइंड करेंगे। ओके तो मुझे बताइए, जब भी ये अमाउंट मिल जाता है तो 9,600 अपॉन, अगर मैं 28,800 करता हूँ, मतलब मैंने कितना परसेंटेज अमाउंट वाई को दे दिया, तो लेट्स कैलकुलेट, 9,600 डिवाइड बाई 28,800, 33.33%, मतलब 1/3 अमाउंट हमने वाई को दे दिया। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोल देते 1/3 अमाउंट इज रिमिटेड टू वाई, ऐसा बोलेंगे कि 1/3 अमाउंट वाई को दे दिया, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में बोल दिया कि 9,600 दे दिए, 1/3 बोलते थे तो हम लोग पहले यहाँ पे 1/3 लिख देते थे। सो आइदर दे विल से दिस मच अमाउंट इज रिमिटेड टू वाई, और आइदर दे विल से 1/3 अमाउंट, बट ये 1/3 मैंने खुद निकाल दिया, ठीक है। तो बाकी के सब फिगर्स, अगर 1/3 मैंने इसको दिया तो 2/3 मेरे पास होगा, एंड नाउ हम लोग पूरा टेबल फिल कर देंगे। पहले ध्यान रखना मैंने क्या किया, मैंने अब तक सिर्फ 3 जन एंट्री की है, एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया, वाई ने वो बिल को एक्सेप्ट किया, फिर एक्स ने वो वाई के ऊपर बिल ये किया सॉरी एक्स फिर वो बैंक के पास डिस्काउंट करवाने गया, और डिस्काउंट करने के बाद उसने वाई को कुछ पैसे दिए, बट उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। लेट्स फिल अप द होल टेबल, तो अभी कैसे करेंगे फिल अप पूरा टेबल, लेट्स सी। तो ऑफ कोर्स अब हर चीज़ का इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 30,000 का 2/3 ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 10,000, हर चीज़ का कर देंगे, फिर 1200 का भी हम लोग 2/3 कर देंगे, 800 तो 400 इसका हो जाएगा, देखो ये ऑटोमेटिक बैठ गया 9,600 में, और ये आ गया 19,200। क्या ये आपको वर्किंग नोट नंबर 1 समझा गाइस? अकोमोडेशन आपको चाहिए था, आपके लिए मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ, मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठा है उसको ये अकोमोडेशन एग्जाम में आए तो वो यहाँ से रिलैक्स करके जाए, आज की आज जब भी लेक्चर खत्म हो अकोमोडेशन उसको आता हो, क्योंकि उसको बेसिक तो आता ही। क्या ये रेड कलर वाले सब चीज़ें आपको समझी, हाँ या ना बताइए, हाँ या ना बताइए, एवरीवन क्लियर? नहीं, वर्किंग नोट के कोई मार्क्स नहीं, बट वर्किंग नोट आप बनाओगे, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ये सम के लिए, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 वर्किंग नोट बनने वाली है, एक हो चुकी है। एवरीवन क्लियर? मुझे फटाफट चैट में यस चाहिए, फटाफट मुझे चैट में यस चाहिए। निदार कुमावत, सिंपल है, 28, सबसे पहले मैंने रेशियो निकाला, रेशियो निकालने के बाद मैंने सब रेड कलर के फिगर्स को फिलअप कर दिया। ओके सुपर, नाउ लेट्स डू अ जनरल एंट्री, नाउ लेट्स गो टू द जनरल एंट्री। ओके लेट्स डू द जनरल एंट्री, मैंने 9,600 जब भी उसको रिमिट किए उसको भी मैं भी येलो करूँगा, तो एक्स ने वाई को पैसे दिए, तो हु इज़ द रिसीवर, वाई इज़ द रिसीवर, बट ध्यान देना
क्या मैं वाई को डेबिट करूंगा 9600 से? नहीं, एक्चुअली वाई का हिसाब कितने का था? एक्चुअली वाई का हिसाब कितने का था? देखिए 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 देखिए, वाई को 10000 का हिसाब था जिसमें से मैंने 9600 दिए। तो ध्यान रखना, यहाँ पे लोग मिस्टेक कर दे कि भाई 9600 दिए, तो अभी आप एंट्री देखोगे 400 रुपये का डिस्काउंट का अमाउंट आपको वर्किंग नोट से मिल गया है। तो जब मैं वाई को पैसे दे रहा हूँ, वाई अकाउंट डेबिट, तो मैं वाई अकाउंट डेबिट कितना किया है मैंने? 10000 रुपये किए हैं। भले मैंने उसको 9600 दिए, बट 1200 में से डिस्काउंट का उसका पार्ट भी तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैं क्यों उसका डेबिट झेलूँ? मैं क्यों 1200 डिस्काउंट मेरे बुक्स में रखूँ? वो 1200 में से भी डिस्काउंट का अमाउंट जो वाई है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो उसका मैंने उसको 400 रुपये भी रिवर्स कर दिया। सर 400 कहाँ से आया? वर्किंग नोट में देखिए, आपको दिख रहा है वर्किंग नोट, देखिए वर्किंग नोट 400 रुपये यहाँ से आया। क्या ये आपको पहले समझा कैसे आया? क्या ये आपको समझा? जनरल जय देसाई, यस अगेन आई विल बी डूइंग 2 सम्स ऑफ अकोमोडेशन, डोंट वरी। बट ये वर्किंग नोट से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प कर देगी। जो क्वेश्चन में लिखा है, आपने वाई को कितना पैसा रिमिट किया? 9600। तो ऑफकोर्स आपने 28800 में से दिए, तो सिर्फ 9600 की एंट्री नहीं करनी होती है, क्योंकि 1200 का डिस्काउंट मैंने डेबिट किया, तो डिस्काउंट का भी तो शेयरिंग होना चाहिए। पैसे का शेयरिंग होगा तो डिस्काउंट का भी तो शेयरिंग करो भाई। तो वाई को मैं 10000 से डेबिट करूंगा कि भाई तेरे 10000 में से तू 9600 ले, 400 रुपया तेरा डिस्काउंट मैंने तेरे को ट्रांसफर कर दिया। क्लियर एवरीवन? फटाफट बताइए। और इस सेम चीज के लिए फटाफट आप यस लिखिए चैट में। वाई भी एंट्री करेगा, वाई क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, उसको पैसे मिले, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2x अकाउंट, सिंपल उसका मिरर इमेज, एंट्री का मिरर इमेज। फटाफट चैट में यस बताइए। एक इंपॉर्टेंट एंट्री हमने पड़ाव क्रॉस कर दिया है अकोमोडेशन ऑफ बिल का। एवरीवन ओके महेश, थैंक यू सो मच। अदर्स बताइए, वेटिंग फॉर मोर यस। बाकी लोगों का चैट पे यस लिखिए फटाफट फटाफट फटाफट। वॉइस आई एम नॉट श्योर वॉइस के ऊपर गाइस, यहाँ पे तो सब प्रॉपर ही है। अभी देखिए सिंपल वर्किंग नोट वन, अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो वर्किंग नोट वन डन, वर्किंग नोट वन डन, वर्किंग नोट नंबर वन का ये टू, ये 1/3 भी मुझे यहाँ से मिला है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वर्किंग नोट नंबर वन का, क्योंकि अभी एक छोटा सा ट्विस्ट है, यही आने वाला है, यही होगा। यहाँ पे 9600 दे दिया था, काफ़ी टाइम वो लोग 1/3 डायरेक्टली दे देते, 1/3 दे दिया होगा तो ये 2/3, पूरा टेबल 2/3 1/3 में डिवाइड कर दो तो और ईजी है। ये उल्टे का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 9600 से पहले हमने रेशियो निकाला और फिर पूरे सम को डिवाइड किया, नहीं तो पहले ही बोल देंगे कि एक्स ने वाई को 1/3 रिमिट किया, तो 2/3 खुद के पास 1/3 उसके पास, टेबल बना दो। ठीक है ठीक है, ग्रेट परफेक्ट। सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस की, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इसके लिए जानबूझ के यहाँ पे रखा है। एवरीवन इज गेटिंग द वॉइस, बताइए एवरीवन इज गेटिंग द वॉइस, यस और नो? अदर्स बताइए तो चैट पे, क्योंकि आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जनरल बोल रहे हैं उनको वॉइस थोड़ी सी लो आ रही है और एक दो जन ने पहले भी लिखा था, सो आई एम नॉट श्योर ऑन दैट। क्लियर? यस यस, हो जाओगे पास? ओके 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 ओके, क्लियर क्लियर। चलो वर्किंग नोट नंबर वन डन एंड वी हैव डन सो मेनी एंट्रीज, अभी मजा आएगा। ये येलो वाली जन एंट्रीज हमने पार कर दी है, हमने बिल उसके ऊपर ड्रॉ किया, मैं बैंक के पास पैसे लेके आया, पैसे में से थोड़े पैसे उसको दे दिए, थोड़े पैसे मेरे पास रखे। तो पैसे देते समय हमने ध्यान रखना कि उसका डिस्काउंट भी मैं उसको ट्रांसफर कर दूँ। ठीक है, अभी ध्यान देना, अभी देखो क्या लिखा है। ऑन द ड्यू डेट एक्स बीन अनेबल टू रिमिट द अमाउंट ड्यू, ड्यू डेट पे एक्स भाई पैसे नहीं दे पाया, एक्स पैसे नहीं दे पाया, एक्स ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो ध्यान दीजिए, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, अगर एक्स ने पैसे नहीं दिए तो आपको यहाँ पे क्या रखना है? तो आपको ये समझना है, अगर एक्स ने पैसे नहीं दिए तो वाई ने बिल को ऑनर कर दिया है। पहली चीज़ आप क्या बोलोगे, एक्स ने, क्योंकि वाई एक्स ने अगर डिसऑनर किया तो वाई को देना, दोनों डिसऑनर हो जाएगा तो सम खत्म हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे रखे, ऑन द ड्यू डेट एक्स बीन अनेबल टू रिमिट द मनी, इसका मतलब वाई ने ये बिल को ऑनर कर दिया है, वाई ने ये बिल को ऑनर कर दिया है। तो ऑनर की एंट्री क्या होती है? इन द बुक्स ऑफ वाई, अभी मैंने सिखाया, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ वाई, डिसऑनर हो या ऑनर हो बिल्स पेबल डेबिट होता है। देखिए डिसऑनर हो या ऑनर हो इन द बुक्स ऑफ वाई कौन डेबिट होता है?
ये रहा ऑन द ड्यू डेट, आपको ड्यू डेट निकालनी होती होगी प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, मैं एंट्री पे फोकस कर रहा हूँ ठीक है, वन सेकेंड जस्ट अ मिनट। तो ये बिल किसने ऑनर कर दिया है, वाई ने ये बिल को ऑनर कर दिया है, वाई ने बिल को क्या कर दिया है ऑनर कर दिया है। तो एक्स ने एक्स के बुक्स में डिसऑनर मतलब वाई ने पेमेंट कर दिया है बैंक को, वाई ने बोला भाई उसकी एंट्री हो जाएगी, तो वाई इसकी एंट्री क्या करेगा, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो एंट्री देखना भूलना मत, वाई ने बिल को ऑनर किया है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट ओके। अभी ध्यान देना, अभी सब में मेन ट्विस्ट चालू होने वाला है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। पहला बिल अगर एक्स ने डिसऑनर किया तो किसने पेमेंट कर दिया है बैंक को, वाई ने बैंक को पेमेंट कर दिया, मतलब वाई ने बिल को ऑनर कर दिया है। और अभी मैंने आपको ऑनर की एंट्री लिखवाई थी, कहाँ पे गया, यहाँ पे है, उन्होंने ना किया बट हमें करनी है, वाई ने वो बिल को ऑनर की एंट्री क्या की होगी, ये रहा ऑनर की एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। एवरीवन क्लियर, एवरीवन क्लियर, स्टेज वन आधा सम अपना हो गया है, आधा सम इज कंप्लीटेड, हाफ सम इज कंप्लीटेड, हाफ सम इज डन, पक्का पक्का एवरीवन, बताइए किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो फटाफट चैट में यस बताइए। अकोमोडेशन का मैंने आधा चीज कर लिया है, बस अभी एक मेन ट्विस्ट है उस पर ध्यान रखिए, आपका हो जाएगा, आपको अकोमोडेशन समझ में आ जाएगा ओके। फटाफट चैट में क्लियर 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 लग के बताइए तो हम सब में आगे बढ़ सकते हैं फटाफट बताइए, यहाँ पे उन लोगों को एंट्री करनी चाहिए ऑनर की, उन्होंने की नहीं है, एक ऑनर की एंट्री आप कर दोगे तो बेटर है। एवरीवन क्लियर, फटाफट चैट में यस बता दीजिए, मैं वापस बताता हूँ, सुनिए क्या हुआ है, सुनो, इन द बुक्स ऑफ एक्स इन द बुक्स ऑफ वाई, एक्स ने पहले क्या किया है सब में आप देख सकते हो, चलो मैं एक और बार सामने सामने करता हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक्स ने पहले वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया, तो एक्स एंट्री क्या करेगा, मैं वापस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को चाहिए, तो मैं फटाफट लिखता हूँ, एक्स एंट्री क्या करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, कितने का बिल ड्रॉ किया है, 30,000 30,000। तो सेम टाइम पे वाई क्या एंट्री करेगा, वाई क्या एंट्री करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 30,000 30,000। चलो आपके लिए यहाँ पे बता देता हूँ, फिर एक्स ने ये बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया, तो ये तो सबको आते ही है, बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,200 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 30,000। बट यहाँ पे वाई को एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वाई को एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या हुआ है, एक्स ने वाई को पैसे रिमिट कर दिए, तो आपको मालूम है कि उसने उसको कितना कैश दे दिया है, 9,600 दे दिया है। बट सर जब भी उसने उसको 9,600 रिमिट किया है तो उसका डिस्काउंट भी तो उसको ट्रांसफ़र करो, तो इसके लिए मैंने एक बनाई वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट, क्या ये वर्किंग नोट मैंने कैसे बनाई, जो ब्लू में जो ये लिखा है 30,128,800, उसमें से मैंने ये लिख दिया 9,600। तो मैंने दिखा 9,600 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 28,800, बिकॉज 28,800 में से मैंने उसको 9,600 दिया ना, तो वो कितना परसेंटेज आ रहा है, 33.33% कितना होता है, 1/3। तो बेसिकली ये ऐसा बोलना चाहता है क्वेश्चन, अगर मैं इसको अलग तरीके से फ्रेम करूँ, एक्स बोल रहा है मैं 2/3 मैं रखूँगा, 1/3 तू रख, तो पूरे सम का मैं 2/3 1/3 कर दूंगा। तो 9,600 ट्रांसफर करते समय उसका डिस्काउंट भी हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, जो मैंने डेबिट किया है उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, उसका डिस्काउंट उसको मुबारक, क्योंकि वाई का सच्ची में हिसाब कितना था, 10,000 का, सिंपल, वाई का सच्ची में 10,000 में से थे, 10,000 का हिसाब वाई का था, बट उसमें से 9,600 ही दिए, बिकॉज उसका भी तो पैसा डिस्काउंट में काटा है बैंक ने, ठीक है। और ये सेम टाइम पे वाई की एंट्री करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन 9,600 आ रहा है, उसका डिस्काउंट वो अपने बुक्स में चार्ज करेगा टू एक्स अकाउंट 10,000। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, इतना अभी सबको क्लियर है, एक बार वापस बताइए बिफोर आई गो अहेड, भले मुझे दो बार रिपीट करना है, बिकॉज आप लोगों ने बताया कि आपको अकोमोडेशन में प्रॉब्लम है परफेक्ट ओके यस ओके क्लियर। श्रेया श्रेया को यहाँ तक क्लियर है, बताइए विनीत एवरीवन, मोहन महेश जैनल जितने भी लोग हैं बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है, परफेक्ट परफेक्टली क्लियर, आई एम वेटिंग फॉर योर क्लियर पार्ट, एक बार कर लो ना शांति से, एक बार थोड़ा टाइम दे दोगे तो आपका सुधर जाएगा, शांति से सुनिए, वर्किंग नोट वन भी सबको समझ में आ गया। अभी एक्स ने बिल को डिसऑनर कर दिया तो वाई ने बिल को ऑनर कर दिया होगा, समझी बात है, अगर एक्स डिसऑनर करेगा तो वाई को तो ऑनर करना ही पड़ेगा, तो वाई एंट्री क्या करेगा,
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूरा का पूरा 30,000 उसके जेब से जाएगा, क्योंकि उसने पूरा बिल ऑनर किया है, उसने खुद के भी पैसे दिए, ये अज्यूम्ड है। अगर एक्स ने बिल को डिसऑनर किया तो वाई ने खुद के पैसे तो दिए 10,000, क्योंकि बैंक तो 30,000 ही मांगेगा ना, बिल तो 30,000 का था, तो बैंक 30,000 वाई से मांगेगा, तो एक्स ने कुछ नहीं दिया, पूरा का पूरा ये बोझ किसने उठाया, वाई ने उठाया। ये याद रखना, अगर एक्स ने बिल ने डिसऑनर किया तो वाई की बुक में एंट्री करना मत भूलना, ठीक है, वाई की बुक में ये एंट्री करना मत भूलना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वाई ने बिल को ऑनर किया है। नाउ दिस इज ऑल्सो क्लियर, अभी बताइए, क्योंकि काफी लोग मुझे ये एंट्री के बारे में पूछ रहे थे। यस 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 एवरीवन, या ओके, नाउ लेट द स्टोरी मूव अहेड। अभी बस गाइस 5 मिनट देना, 5 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। अभी क्या हुआ है सुनिए, एक्स 42,000 का बिल एक्सेप्ट कर रहा है, एक्स ने बिल एक्सेप्ट किया तो भी एक्स बन गया ड्रॉई, तो वाई ने बिल ड्रॉ किया है, एक्स बन गया ड्रॉई, तो एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स 42,000 का बिल एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितने का बिल था गाइस, वन सेकेंड ना, कितने का बिल था, 42,000 का, तो इसने 42,000 का बिल ड्रॉ किया और इसने वो बिल को एक्सेप्ट किया, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये एंट्री भी सबको आ जाएगी, ठीक है, ये एंट्री भी सबको आ जाएगी। अभी मुझे मालूम है कैसे मालूम पड़ा कि ये वाई ने बिल को ऑनर किया था, देखो अभी वाई ने नया बिल बनाया, वाई ने भी नया बिल बनाया, अभी वाई ये बिल बैंक के पास लेके जाएगा, तो बैंक वाई को तभी पैसे दी गई जब भी उसने वाई ने पहले बिल ऑनर किया होगा ना, ऐसे थोड़ी उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक हिडन चीज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए, अगर एक्स ने बिल को डिसऑनर किया तो वाई ने बिल को ऑनर किया है, क्योंकि वाई अभी एक नया बिल बनाने वाला है, यही फ्लो में पूरे चार सम आने वाले, यही फ्लो रहेगा, यही रहेगा, आप कोई भी सम उठा के दिख ले, पहला वाला बिल डिसऑनर होगा फिर दूसरी पार्टी नया बिल ड्रॉ करेगी और बैंक के पास जाएगी। तो याद रखना कि यहाँ पे पहला बिल अगर एक्स ने एक्स पैसा नहीं दे पाया तो वाई ने वो बिल को ऑनर किया है, सो डोंट फॉरगेट टू पुट इन दिस एंट्री, ओके। अभी सुनिए, अभी सिंपल है, अभी एक्स ने वाई ने एक्स के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो ये एंट्री भी आप कर लोगे, सर ये तो एंट्री आती है हमें। अभी ये बिल वाई ने बिल के बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया है, वाई ने बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया फॉर 40,000, 41,100, बस अभी ध्यान देना ऑलमोस्ट सम खत्म हो चुके हैं, तो चलो डिस्काउंट की एंट्री इसको तो करनी नहीं क्योंकि वाई ने एंट्री की है, तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, 42,000 का बिल है जिसमें से 41,100 उसको दिया है, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, लेट्स डू इट, कितना आता है अमाउंट, 42,000 - 41,100 ये आ रहा है 1,890। ये एंट्री भी सबको क्लियर है, ये एंट्री भी सबको क्लियर है, यहाँ तक एवरीवन क्लियर विद दिस एंट्री। बस अभी वर्किंग नोट 2 में थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान दो, आपका मैं काम क्लियर कर दूंगा। बस ये एंट्री में लोग फंसते हैं, जो मैंने मेजॉरिटी लोगों को देखा है जो फंसते हैं वो अभी वाली जो एंट्री करूँगा उसमें फंसते हैं, ध्यान देना। सर 1/3 इज़ नॉट क्लियर, 1/3 क्यों क्लियर नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से मुझे 1/3 मिल गया था, यूजुअली दे मेंशन 1/3 बट ये सब में मुझे 1/3 कैसे मिला, एक्स ने वाई को कितना पैसा रिमिट किया, आप देखिए एक्स ने वाई को 9,600 रिमिट किया, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ दिस, तो अगर 9,600 डिवाइड बाय 28,800 कितना होता है, 1/3 होता है, तो एक्स ने वाई को 1/3 रिमिट किया, यहाँ से मुझे मिला था धनेश्वरी, समझा, यस धनेश्वरी क्लियर नाउ, 1/3। अभी ध्यान दो, मैं वर्किंग नोट नंबर 2 बनाने के लिए रेडी हो रहा हूँ, बिल नंबर 2 के लिए वर्किंग नोट, एक्स वाई टोटल ग्रॉस नेट ग्रॉस डिस्काउंट और नेट, ठीक है, बिल नंबर 2 का, जैसे मैंने बिल नंबर 1 का बनाया था वैसे बिल नंबर 2 का बना रहा हूँ, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। अभी बिल नंबर 2 कितने का था, 42,000, ग्रॉस अमाउंट कितना है, 42,000, ओके, उसमें से अगर मैं कैलकुलेट करूँ 1,890 डिस्काउंट का था तो हो गया 41,100, ओके। अभी मुझे ये सब फिल करना बाकी है, बस ये सब फिल करना, अगर आपको आ गया तो आप क्या ये सम आपको ने समझ लिया है, ये मेरे पास रेडीली अवेलेबल है, अभी ध्यान देना, बस अभी ध्यान देना, ओके। अभी क्या लिखा है, वाई सेंस 6720
402 वाई, देखो ये रेड कलर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वाई सेंस 67402x। थोड़ा सा भी आपको लग रहा होगा, स्टोरी को सुनिए, वापस स्टोरी को सुनिए। आप मुझे बताइए, एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया था 30,000 का, 30,000 में से 20,000 एक्स के खुद के, 10,000 वाई के, ठीक है। ड्यू डेट पे एक्स ने पैसे वाई को नहीं दिए, तो एक्स का 20,000 रुपीस जो एक्स को देने था ना बैंक को, वो किसने चुका है? एक्स के 20,000 रुपीस वो बैंक को किसने चुका है? वाई ने चुका है ना। तो एक्चुअली तो वाई को एक्स से पैसे लेने को आ रहा है, बट यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। एक्चुअली में वाई को एक्स से 20,000 रुपीस लेने हैं, बट क्या लिखा है हमें कि वाई सेंस 67402x। आई होप आप समझ रहे हो क्या लिखा है। वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ, 30,000 में से 20,000 एक्स के, 10,000 वाई के, कोई बात नहीं, ये बिल डिस्काउंट हो गया। तो वाई को तो वाई ने तो अपने बैंक को 10,000 दे दिए, बट वाई ने एक्स को भी, एक्स के भी 10,000 बैंक को दे दिए। तो एक्चुअली तो वाई को 20,000 रुपीज़ एक्स को से लेने का आ रहा है। भाई एक्स 20,000 रुपये दे भाई, दे 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 दे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई उल्टे का उसको पैसे दे रहा है। वाई उल्टे का 20,000 रुपीज़ का तो हिसाब पहले का था ही, बराबर 20,000 तो सबको मालूम है ना, ये रहा वो 20,000, ये रहा वो 20,000, यहाँ से मिलेगा पहले का हिसाब। बट ये 20,000 लेना है, बट वो गधा क्या कर रहा है, वो एक्स को बोल रहा है ये ले 26740। कुछ अजीब लग रहा है ना, ये अजीब लग रहा है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। तो ये तभी पॉसिबल है गाइस, लॉजिकली सोचो। एक्चुअली मुझे आपसे 20,000 रुपीज़ लेने थे, बट मैं उल्टे का आपको 6740 दे रहा हूँ, मतलब इसका मतलब क्या, मतलब एक्चुअली पहले का भी हमारा कोई हिसाब रहेगा पुराना, तो मैंने उसमें से 20,000 काट दिए कि भाई 20,000 तो मैं तेरे काट लेता हूँ, बट ऊपर के 6740 जो बाकी मैं दूंगा, तो एक्चुअली गाइस बस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली यहाँ पे जो अमाउंट आएगा पहले का 20,000 का भी हिसाब आएगा, प्लस 6740 करिए, 20,000 प्लस 6740 दैट इज 26,740 रुपीज़ यहाँ पे आएगा। देखिए ध्यान दीजिए कैसे लिखा है, ध्यान देना ये कैसा है, 26,740 रुपीज़, प्लीज़ ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं गाइस कि कैसे आया। आई होप आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, रुक जाओ मैं वापस एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मैं एक बार वापस आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। वो उसको कितना पैसा दे रहा है, 6740 दे रहा है, बट आप ही समझिए 6740 अगर मैं उसको दे रहा हूँ तो भाई एक्चुअली में हिसाब कितना था, मैं इधर उल्टा थोड़ा लिख देता हूँ कि भाई 6740 में अगर आपको दे रहा हूँ, बट एक्चुअली तो मेरे साथ आपके ऑलरेडी कितने का हिसाब था, मेरा ऑलरेडी मुझे आपको 20,000 रुपीज़ तो देने थे ना, तो भी मैं आपको 6740 दे रहा हूँ, मतलब हमारा पहले कितने का हिसाब था, 26,740 का हिसाब था पहले। ये चीज़ आपको समझा, देखिए थोड़ा सा ये वाला पॉइंट समझिए, 26,740 कैसे आया है बताइए, 26,740 कैसे आया है, क्या ये सबको समझा? ये 26,740 कैसे आया? एवरीवन, दिस इंक्लूड्स पहले का 20,000 प्लस ये वाला अमाउंट, एवरीवन क्लियर ये 26,740 कैसे आया टेबल में, तो ही ये क्लियर होगा अकोमोडेशन ऑफ बिल। बताइए लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, बट क्या ये 26,740 आपको समझा? बताइए। फाइन एवरीवन, फटाफट यस बताइए कि ये चीज अगर आपको समझी, मैं वापस रिपीट करूंगा, मैं एक और बार रिपीट करना होगा। एक्स ने वाई के ऊपर 30,000 का बिल ड्रॉ किया था, जिसमें से 20,000 रुपये एक्स के, वाई के 10,000 रुपये, एक्स के 20, वाई के 10, मैं डिस्काउंट को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि डिस्काउंट भी तो मेरा ही था। फिर ड्यू डेट पे वाई ने खुद के 10,000 रुपये तो पे किए, उसने एक्स के भी 20,000 रुपये पे किए, तो एक्चुअली वाई बोलता है भाई मुझे एक्स तुझे 20,000 रुपये लेने हैं, बट यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है, मैं वाई उल्टे का उसको पैसा दे रहा है। तो कुछ बचपन का हमारा हिसाब रहेगा, जिसमें से मैंने बोला था 20,000 का कुछ कांड हुआ था, वो मैं काट देता हूँ, ये 6740 ले ले, मतलब 26,740 का कुछ हिसाब रहेगा वो लोग दोनों का। अगर जिसको शॉर्टकट चाहिए क्या करने का मालूम है, शॉर्टकट बता देता हूँ, जो अमाउंट यहाँ पे रेमिट किया है ये वाला अमाउंट, प्लस जो आपका टेबल वन में ये वाला अमाउंट बना ना, ये वाला अमाउंट उसको ऐड कर देने का, ये वाला अमाउंट को, यही है हर सम में। बट मैंने आपको थोड़ा लॉजिकली भी एक्सप्लेन कर दिया, अगर जिसको नहीं समझ रहा है वो क्या कर सकता है, ये 6740 जो अमाउंट रेमिट हुआ है, और फर्स्ट टेबल का ये वाला अमाउंट को ऐड कर देने का, और वो वाला अमाउंट को इधर बिठा देने का,
वो इधर आ जाएगा 26 एंड 40। ओके तनिष, एक और बार तनिष के लिए, एक और बार। चलो तनिष सुन 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 सुन, मुझे बता, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, वाई को एक्चुअली एक्स से कितने पैसे लेने चाहिए थे पहले पहले बिल तक, डिस्काउंट होने तक, वाई को एक्स से कितने पैसे लेने चाहिए थे? कोई मुझे चैट पे बताएगा अगर कोई मेरी बात समझ पा रहा है तो। वाई को एक्चुअली एक्स से कितने पैसे लेने चाहिए थे ऑन द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल, बताइए। ऑन द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल वाई को एक्स से कितने पैसे लेने चाहिए थे, बताइए। बताइए बताइए, चैट पे दीजिए आंसर। वाई को एक्स से कितने, 20,000। यस मोहन, यस यस, 20,000 लेने चाहिए थे मुझे आपसे, 20,000। बट यहाँ पे वाई एक्स को उल्टे का 6740 दे रहा है, तो एक्चुअली आप सोचिए, थोड़ा बैकवर्ड कैलकुलेशन देखिए। मैं अगर आपको स्टोरी स्टार्टिंग से बताऊँ, एक्स और वाई का कुछ 26,740 का हिसाब रहेगा, 26,740 का कुछ हिसाब रहेगा 2-3 साल पहले। फिर एक्स ने पैसे नहीं दिए तो वाई ने बोला चल मैं तेरे बिहाफ में पे कर देता हूँ, तो वो 26,740 में से 20,000 रुपये का हिसाब कट हो गया। तो अभी बाकी वाई को कितना पैसा देने का रहा, 6,740। ये आपको मैंने रियल दिखाया, बट हम गए एक्चुअली उल्टा। अभी ये समझा मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं दोनों के बीच में 26,740 का हिसाब रहा होगा, अपने को नहीं मालूम है कभी का है क्या है, बचपन का रहा होगा। फिर वाई ने एक्स को बोला देख 26,740 का हिसाब था, मैंने तेरे 20,000 रुपये ऑलरेडी बैंक को दे दिया, मैं आपको 6,740 दे रहा हूँ। तो एक्चुअली ये 40 में से एक्स का हिस्सा इतने का बनता है। नाउ दिस इज क्लियर गाइस, पार्ट टू वाला यही सम आपको, यही वर्किंग नोट बनानी है, आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा सॉल्व। बताइए 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 बताइए। नाउ क्लियर एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर द यस, आई एम वेटिंग फॉर द यस, आई एम वेटिंग फॉर द यस। मैं यस के लिए वेट कर रहा हूँ सबके। चलो मैं एक और सम आपको अकोमोडेशन का करने को बोलूँगा, डोंट वरी, जो आप लोग खुद करके बताओगे, मैं सिर्फ वॉकिंग नोट बनाऊंगा। चलो मैं चैट में यस लिख के बताइए, क्लियर है तो। सो सॉरी, ये क्या हो रहा है, ओके वन सेकेंड। आई होप याद सबको क्लियर है, यस 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 लिख रहे हैं। जो नॉट श्योर मैं सम कहाँ पे था, वो मेरे क्यों नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ इश्यू हो गया, सो सॉरी। मैं एक और सम भी करके दूंगा गाइस, आप हाँ जी रहा 6740। ये वाली एंट्री भी हमने कर दी है, बिल्स पेबल वाली, और ये वाली एंट्री भी उसने बिल रिसीवल किया है, फिर उसने बिल बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया। देखो वो लेक ने एंट्री यहाँ पे लिखी, हाँ देखो वो लोग ने 30,000 का एंट्री की है, ये एक्चुअली इधर करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। अभी ध्यान देना, आई होप ये सबको वर्किंग नोट क्लियर है। नाउ यू विल फाइंड द रेशियो, ये इसका कितना परसेंट है, तो आपको ये मिलेगा 2/3, 2/3, 66.67%। तो अगर ये 2/3 है तो ये हो जाएगा 1/3, और अभी आप पूरा टेबल फिलअप करोगे, जैसे ऊपर किया था वैसे ही पूरा टेबल फिलअप करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ एक्स को बाद में, एक्स को बाद में नहीं मधुरा, ऑलरेडी एक्स को वाई को ऐसा कुछ नहीं है, वाई ने एक्स को 6740 दे दिए हैं, तो मैंने जो आपको बताया वो आप एक बार थोड़ा देख लेना, मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ। बट अभी ये मेरे को 26,740/40,110 करूँगा तो मेरे को 2/3 आ रहा है, तो अभी हर एक सम का हम लोग 2/3 और 1/3 करेंगे। चलो 2/3 1/3 करेंगे फटाफट। चलिए 42,000 का इंटू 2/3, ये हो जाएगा 28,000, ये हो जाएगा 14,000, फिर 1,890 का हो जाएगा 2/3, 1,260 और माइनस 1,890, ये हो जाएगा 630 रुपीस। तो ये 14,000 माइनस 630। चलो बताइए क्या ये आपको सबको क्लियर है वर्किंग नोट नंबर टू, फटाफट बताइए क्या सबको क्लियर है वर्किंग नोट नंबर टू, फटाफट। काफ़ी लोग बाल में क्या मिस्टेक करते हैं, सर ऊपर वाले सम में भी इधर 1/3, 2/3 था ना तो वही लिख देते, तो कोइंसिडेंटली उनका सम सही हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर सम नंबर वन में, टेबल नंबर वन में 2/3, 1/3 था, तो सम नीचे 2/3, 1/3 रहना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू डू दिस बैकवर्ड कैलकुलेशन, 6740 जो उसको रिमिट कर रहा है प्लस पहले का हिसाब, उसको ऐड करके आपको इधर लिखना पड़ेगा, समझा? क्यों ये कर रहा हूँ अभी आपको मालूम पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अकोमोडेशन में अगर आपको आज मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, आप ये 2-3 बार भी वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। यस फटाफट करिए, फटाफट करिए।
जून 24 कराओगे, जून 24 के तो बैचेस चालू है ना गाइज ऑलरेडी, क्लियर। तो अभी ये एंट्री क्यों कर रहा हूँ, ये टेबल के आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अभी क्या लिखा है सुनो क्वेश्चन में, जब भी उसने इसको 6740 एक्स को दिए तो हम लोग एक्स के बुक्स में क्या एंट्री करते हैं, इधर अगर मैं एक्स की बुक में एंट्री करूँगा तो एक्स बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट 6740, ठीक है। बट उसका डिस्काउंट में से भी मुझे वो इधर यहाँ पे कुछ ट्रांसफर करेगा जो मैं इधर डिस्काउंट को डेबिट करूँगा टू वाई अकाउंट, तो इसके लिए मैंने ये सम करवाया। सर 6740 के मैंने लिए वर्किंग नोट बनाया, ये 1890 में से मेरा डिस्काउंट मुझे मिलेगा ना, जैसे एक्स ने वाई को डिस्काउंट ट्रांसफर किया था तो वो आपको वर्किंग नोट नंबर 2 से मिलेगा। देखिए 1260 वाला डिस्काउंट, वो आप यहाँ पे लिखोगे 1260 वाला डिस्काउंट, इसी के लिए मैंने ये वर्किंग नोट बनाया था, ये ऐसे आपको मिला है। टू थर्ड वन थर्ड फर्स्ट पार्ट में था तो इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड पार्ट में टू थर्ड वन थर्ड है। इसमें बताया ना मैंने तनिष आपको, सबसे पहले ये वाला अमाउंट मिल गया 26750, इसको मैंने इसको डिवाइड किया है टोटल से तो मुझे मिल गया ना 66.67%, मतलब टू थर्ड, राइट। और ये वाले अमाउंट के लिए मैंने पूरा ये वर्किंग नोट का मगजमारी किया है। आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया है। 1260 समझा एवरीवन, 1260 समझा यहाँ पे एंट्री में कैसे आया ये, यहाँ पे बताइए फटाफट चैट में यस लिख के बताइए, अगर समझा तो फटाफट चैट में यस लिख के बताइए। और इसके लिए एग्जैक्टली उल्टा एंट्री टू कैश टू डिस्काउंट, कितना दे रहा है कैश 6740, डिस्काउंट 1260 8000। फटाफट यही एंट्री के लिए लोग वर्किंग नोट नंबर अकोमोडेशन में के लिए आते हैं, यही एंट्री करने के लिए। आई होप मैंने आपको अभी कुछ अच्छी चीज़ें सिखा दी है, आपको चाहिए तो इसके साथ इस एंट्री के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा मेरा हैंडराइटिंग रफ है बट आई होप मैंने आपको क्लियर किया है। एवरीवन क्लियर गाइस, अकोमोडेशन आएगा, तनिष्क को वापस चाहिए। तनिष्क आप मुझे बताइए कौन सा वाला फिगर आपको वापस चाहिए, आई विल हेल्प यू आउट। चलो बाकी लोग जिनको समझ गया वो फटाफट चैट में यस लिखिए। मैं तनिष्क एक और बार रिपीट करता हूँ सुनो, एक्स ने वाई के ऊपर बिल 30,000 का ड्रॉ किया था जिसमें 20,000 रुपये एक्स के थे 10,000 रुपये वाई के थे। ड्यू डेट में वाई एक्स ने पैसे नहीं दिए तो मैंने बताया वाई ने खुद के 10,000 रुपये भी एक्स बैंक को दे दिया और एक्स के भी 20,000 रुपये बैंक को दे दिया। तो एक्चुअली मैं वाई को एक्स से 20,000 रुपये लेने चाहिए, यहाँ तक की स्टोरी ये है। बट आप एक सब में ट्विस्ट देख रहे हो, लेने के जगह वाई को पैसे देने के जगह वाई उनको पैसा दे रहा है, तो इसका कंक्लूजन ये आता है कि भाई वाई गधा नहीं है, वो गधा नहीं है, वो उसको दे रहा मतलब पहले उसका कुछ हिसाब रहेगा और वो हिसाब जब भी हम देते हैं तो वो हिसाब का काट के देंगे। तो वाई जब भी पैसे दे रहा होगा तो वाई ने एक्स को बोला होगा देख वो 20,000 रुपये काट के मैं तुझे पैसा दे रहा हूँ, वही बोलेगा ना, वो गधा थोड़ी है। तो एक्चुअली 20,000 रुपये काटता नहीं तो अमाउंट कितना बचता 26,740, क्योंकि 6740 प्लस 20,000 इज 26,740, समझा। एंट्रीज, अच्छा एंट्रीज नहीं समझा, अरे ये तो सिंपल है ना एंट्रीज, ये वाई ने बैंक को बिल डिस्काउंट करवाया और डिस्काउंट में से कुछ पैसे एक्स को दे दिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, एक्स बोलेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर इसमें से थोड़ा सा डिस्काउंट उसने वाई ने एक्स का डिस्काउंट एक्स को ट्रांसफर कर दिया टू डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और ये अपोजिट एंट्री। अभी क्लियर है, कोई बात नहीं पूछ सकते हो डोंट वरी, बट फिलहाल यहाँ पे क्लियर है राइट। आई होप मैंने तनिष अभी आपको क्लियर कर दिया है, बस अभी आगे की दो एंट्रीज बाकी है, फिर आप एक पूरा मुझे करके बताओगे, मैं दोनों में आपको वर्किंग नोट बना के दे दूंगा आगे का एक और अकोमोडेशन एग्जैक्टली सेम। आप ये वाला वर्किंग नोट हर जगह यूज़ करना, मैं इस डोंट वरी पहले मुझे सम कंप्लीट करने दीजिए फिर छोटा सा मैं ब्रेक देता हूँ। या चलो अभी क्या हो रहा है सम में, अभी सम में क्या हो रहा है ध्यान देना, बिफोर द ड्यू डेट एक्स बिकम्स इंस्टॉलमेंट एंड के पे ओनली 50% रुपी, एक्स इंस्टॉलमेंट हो गया है तो अभी इन द बुक्स ऑफ एक्स एंट्री करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक्स ने वो पहले वाला बिल डिसऑनर कर दिया जिसके ऊपर 40, तो एक्स ड्रॉ ही था ना अभी, तो ड्रॉई के बुक्स में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, ड्रॉई का बिल डिसऑनर हो गया ना, ड्रॉई के बुक में बिल डिसऑनर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, कितने का बिल था 42,000। बट यहाँ पे इसको भी बिल डिसऑनर हो गया, इसके लिए भी बिल डिसऑनर हो गया, तो मैंने बोला था DDD इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर डिसऑनर की एंट्री में हमेशा डेबिट होता है ड्रॉई, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर बैंक क्यों लिखा है, मैंने बोला था ना
डिसऑनर की डेबिट में हमेशा होता है, डेबिट कौन होता है? ड्रॉई। डिसऑनर की एंट्री में डेबिट हमेशा होता है ड्रॉई, डी डी डी, और क्रेडिट होता है रिस्पेक्ट टू कंडीशन। तो 42,000 का बिल जो ऊपर मिला था वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। ये ऊपर जो 42,000 का बिल बना था वो डिसऑनर हो गया, ये बना था ना 42,000 का बिल, वो डिसऑनर हो गया। एंड एक और एंट्री लास्ट, राइट, इसके लिए क्या लिखा है उन्होंने क्वेश्चन में, एक्स बिकम इंस्टॉलमेंट ही पेज ओनली 50 पैसे ना रुपी। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा और इन द बुक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा? ए बी सी डी मैंने बताया था ना, कुछ पैसे मिल रहे हैं, जो पैसे नहीं मिल रहे हैं हम लोग उसके लिए एक्स को डेबिट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, बस इसका फिगर मुझे निकालना बाकी है। और इसके बुक्स में एंट्री क्या होगी? वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। बट सर ये अमाउंट क्या आएगा? क्या ये 42,000 का बिल का एंट्री आएगा? क्या 42,000 का बाइफर्केशन होगा? नहीं, यहाँ पे 42,000 का करके मत आ जाना 50%, 42,000 का मत करके आना, प्लीज़ याद रखना, प्लीज़ याद रखना 42,000 का एंट्री मत करके आना, वो गलत है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा, पहले शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पे 42,000 का मत करके आना, हमने ये सब एंट्रीज भी कर दी है, ये जिसको मैं टिक मार्क कर लेता हूँ, आप देख सकते हो ये कैसे आया होगा। मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा, आपने जो वर्किंग नोट बनाई है ना, वर्किंग नोट उसमें जाइए, कौन सा अमाउंट पकड़िए, ये वर्किंग नोट नंबर 2 वाला पकड़िए, 28,000, ये वाला अमाउंट का वो एंट्री होगा, 28,000 का होगा। मैं आपको लॉजिकली भी बता दूंगा, बट 28,000 का, पहले शॉर्टकट वर्किंग नोट नंबर 2 का ग्रॉस अमाउंट का फिगर का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा एंट्री? 28,000 देने हैं, जिसमें से 14,000 हम दे रहे हैं, 14,000 हम डेफिशिएंसी, 14,000 and 28,000, सिंपल। 21,000 नहीं है, मैं आपको लॉजिकली भी आंसर दे दूंगा, बट दिस इज 20, कहाँ से शॉर्टकट बता दिया पहले आपको, इजीली शॉर्टकट बता दिया पहले, ये 28,000 आपको कहाँ से मिलेगा? सेकंड वर्किंग नोट के ग्रॉस अमाउंट से मिलेगा, बस ये ध्यान रखना। और उसी के साथ आपका अकोमोडेशन का मैंने डबल सम कर लिया है, इन द बुक्स ऑफ एक्स बी, इन द बुक्स ऑफ वाई बी। मैं इसके बाद एक और सम में मैं आपको वर्किंग नोट में मदद करूँगा, एंड सो दैट आपका अकोमोडेशन क्लियर हो जाएगा और आप भी मुझे हेल्प करोगे। क्या ये सबको क्लियर है? और अभी किसी को लॉजिकली अगर 28,000 निकालना है तो क्या करेगा, इसके पहले की जितनी भी जर्नल एंट्रीज हुई है ऊपर की, इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई का हिसाब करो, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, डेबिट वाला माइनस करो क्रेडिट वाला, डेबिट वाला ऐड करो क्रेडिट वाला माइनस करो, डेबिट वाला ऐड करो क्रेडिट वाला माइनस करो, और व्हाट एवर इट इज, आपको नेट अमाउंट 28,000 ही आएगा, क्योंकि जो उसके साथ हिसाब है वो लेजर में देखोगे। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स आप वाई का जितना भी जर्नल एंट्रीज हुआ है उसका डेबिट और क्रेडिट को ऐड लेस कीजिए, आपको नेट अमाउंट 28,000 ही आएगा। बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपको कौन सा फिगर उठाना है, वर्किंग नोट नंबर 2 का ये वाला फिगर आपको उठाना है, दैट्स इट, खत्म। सिंपल शॉर्टकट दे दिया, हर एक सम में ये आपका वर्किंग नोट आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व अकोमोडेशन, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये 20 मार्क्स के लिए ये सम आया था, ऐसा ये टाइप का सम 20 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स बताइए। अगर क्लियर है तो फटाफट मुझे रिजाइन करके बताइए कि सबको क्लियर है, क्लियर 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 मैं चाहूँगा, फटाफट 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 मुझे चैट में बताइए, क्लियर 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 क्लियर, एवरीवन। अगर क्लियर है तो चलो फटाफट मुझे बताइए। नेक्स्ट सम में मैं आपको वर्किंग नोट बना के दूंगा, फटाफट मुझे क्लियर चाहिए, सबको क्लियर है तो, ईच एंड एवरीथिंग अगर क्लियर है तो, चलो सबके क्लियर आने चाहिए, इतने पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं, और जिन्होंने लाइक नहीं किया एटलीस्ट अभी लाइक तो कर दो, अकोमोडेशन भी करवा दिया अभी तो लाइक कर सकते हो, लाइक जिसने नहीं दबाया, काफ़ी लोगों तो बैठे लाइक कर ही दिया होगा, फटाफट फटाफट चलिए। ओके नॉट वेरी क्लियर तो एक और बार करेंगे, जय, एक और बार मैं आपको कराऊंगा आपको, चलो जिसको जिसको क्लियर है वो लोग लिख दीजिए, जय मैं आपके लिए एक और बार वर्किंग नोट करूँगा, डोंट वरी। यस, मैं 2 मिनट का ब्रेक दूंगा, अकोमोडेशन का एक और सम करेंगे, और बेसिक सम्स आप लोगों को आती होगी, उसके लिए मैंने जर्नलिटीज ऑलरेडी शेयर कर दी, तो अकोमोडेशन का एक और सम कर लेंगे, चलो बस आफ्टर ब्रेक उतना करेंगे एंड देन वी कैन कंप्लीट ऑल्सो। यस जय, मैंने आपको बताया, जय मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ओके ऑल क्लियर, चलो सुपर, काफ़ी लोगों को समझ गया है। वर्किंग नोट आप अपने हिसाब से रफ नोट बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऐसे कोई मार्क्स नहीं, आप जर्नल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। यस यस, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गाइस चलो काम करते हैं, ख़त्म ही करते हैं एंड देन वी कैन वाइंड अप। मैं सीधा ब्रेक क्यों दे रहा हूँ, फिर आप लोग वो हो जाओगे, एडिशन 15-20 मिनट्स वी कैन कंप्लीट अकोमोडेशन का सेकेंड सम, फेयर इनफ।
सम हम लोग स्टडी मटेरियल से कॉपी कर लेंगे और वर्किंग नोट बना देंगे, सिर्फ वर्किंग नोट बना देंगे, चलेगा? क्या स्टार्ट करें? यस, डेज गाइज आप देख लेना, ड्यू डेट्स और वो सब मुझे मालूम है आपको आता है, 3 डेज ऑफ ग्रेस एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, वो सब आपको मालूम होगा। जब 15 मिनट दीजिए, हो जाएगा। ओके चलो, थैंक यू सो मच। जिसका अकोमोडेशन जिनको नहीं आता था, अगर मैंने उनका क्लियर कर दिया है, आई विल बी हैप्पी फॉर देम। और जिनको अभी भी प्रॉब्लम है, एक बार वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हो। ओके 5 मिनट्स का दे दूँ? चलो 5 मिनट्स में मिलते हैं, हम लोग एक और सम करेंगे अकोमोडेशन का। चलो ये वाला सम कर लेंगे, सिर्फ एक ही पार्टी है इसमें, बट इन द बुक्स ऑफ अनिल कर लेंगे। चलो ये बुक, ये सम कर लेंगे। ओके इन 5 मिनट्स 9:20 को मिलते हैं। चलो 9:20 लास्ट पार्ट। ओके चलो 9:20 सब लोग आ जाना, जितने भी पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं, वेट करते, थोड़े लोग थक गए, इसका करने के बाद अपना हो जाएगा लेक्चर ख़त्म। ओके क्योंकि बेसिक सम तो सबको आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। 5 मिनट्स
ओके गाइस, देखो अभी डिनर के लिए काफ़ी लोग चले गए होंगे, मेरा भी आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, बट आई विल ट्राई टू फिनिश अकोमोडेशन टुडे। बेसिक चीज़ आपको आती होगी, तो मेन पार्ट की अकोमोडेशन पे फोकस कर सकते हैं बिफोर वी वाइंड अप। चलो एवरीवन एवरीवन चलो आ जाइए, 2 मिनट में हम वापस स्टार्ट करेंगे। यस कुशल, हाय हेलो कौशल, कौशल आई नो आप घाटकोपर से थे। यस यस नहीं आज मेरा आवाज़ ज़्यादा ख़राब हो गया, आई एम नॉट श्योर क्या हो गया, बट ठीक है। चलो गाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे मैंने अकोमोडेशन ले लिया क्योंकि मुझे वेस्ट नहीं करना था मेरे एनर्जी दैट इन डूइंग दैट सिंपल थिंग्स। आई वॉन्टेड कि यहाँ पे अकोमोडेशन किया, अगर आपने बताया था कि अकोमोडेशन चाहिए तो एक और समय मैं आपको सेम वर्किंग नोट से पूरी चीज़ें बता देता हूँ, सो दैट यू ऑल्सो गेट द कॉन्फिडेंस। पहला वाला समय मैं दोनों तरीके से कर लिया था, सो इट वॉज बेसिकली 20 मार्क्स। ठीक है स्टार्ट करते हैं। चलो 9:20 हो चुके हैं, थोड़े लोग आई थिंक आएंगे बट दे कैन सी द रिकॉर्डिंग लेटर, डोंट वरी, वो लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी ये सब मैं वर्किंग नोट पे जाऊंगा मैं। अनिल ड्रॉस एंड बिल फॉर 9,000 ऑन संजय। चलो तो अनिल के बुक्स, अनिल के एंट्री करेगा फटाफट, 9,000 की बिल उसने संजय पे ड्रॉ की है। बुक्स ऑफ अनिल बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। अब वैसे संजय ने भी एंट्री की होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या लिखा है, फिर संजय संजय आफ्टर ने एक्सेप्टेंस सेम। अभी संजय ने बिल्कुल एक्सेप्ट कर दिया, तो इतना अपना पार्ट खत्म हो गया, सम का इतना पार्ट हमारा खत्म हो गया। अभी क्या लिखे, अनिल गेट्स द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड रिमिट्स 1/3, यहाँ पे लिखा है 1/3 टू संजय। तो चलो वर्किंग नोट नंबर 2 बना देते हैं। ओके ओके वर्किंग नोट नंबर 2, हेलो सर कैन यू जस्ट एक्सप्लेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 इन शॉर्ट, इट सीम्स टू बी बिट कन्फ्यूजिंग। देख लेंगे चलो स्टडी मटेरियल का एक बार, चलो मैं देख लूँगा। बट गाइज डोंट वरी, यू ऑलवेज हैव द हेल्प एंड नंबर, ट्राई जस्ट कॉलिंग। तो अगर आपको कोई इंडिविजुअल डाउट्स है वो भी मैं दे दूंगा। ओके यस प्लीज, सो दैट आपके लिए ही है वो। कभी कभी क्या मेरे फ्लो में रह जाते हैं, इतने सारे चार्ट्स होते हैं मैं देखता नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है एंड देन वो चैप्टर के फ्लो में होते हैं डिफिकल्ट हो जाता है। ओके और कोई जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं एडमिट में आते हैं, दे नो कि मैं अभी यहाँ पे हर शाम को आता हूँ, तो दे कैन कम बिफोर द लेक्चर्स ऑल्सो एंड आई कैन सॉल्व द डाउट्स। अगर वो लोग पर्सनली भी आ सकते हैं दैट्स कम्प्लीटली फाइन, उल्टे का और अच्छे से सॉल्व कर देंगे। बट पहले ये देख लेते हैं, अनिल गेट्स द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड रेमिट्स 1/3। तो चलो पहला वाला वर्किंग नोट बना लेते हैं, अनिल संजय टोटल ग्रॉस डिस्काउंट और नेट, सेम तरीके से मैं वर्किंग नोट बना हुआ। कितने का बिल था, ग्रॉस 9,000 का बिल था, 8820 का आ गया राइट। तो 9,000 में से मैं 8820 में माइनस कर दूंगा, तो क्या करेंगे ये 9,000 माइनस 8820, तो ये आ गया 180 रुपीज़ का डिस्काउंट का। ठीक है अभी यहाँ पे लिखा ही है, सिंपल लिखा है, इसमें सिंपल तरीके से लिखा है लास्ट टाइम में, और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें लिख दिया कि अनिल ने संजय को 1/3 दे दिया, तो मेरे को डायरेक्टली ये 1/3 दे दिया है, तो अपना काम ईजी हो गया, पूरे को 1/3 और 2/3 में डिवाइड करना है। इनफैक्ट अर्लियर सम वॉज डिफिकल्ट, आपको 1/3 2/3 निकालना था, यहाँ पे 2/3 1/3 दे दिया है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 का तो काम अपना हो ही गया सिंपल, 1/3 2/3। तो हर एक का कर देंगे, ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 60 एंड आप वैसे ही पूरा कर लोगे, जब भी आप करोगे इसको सब्ट्रैक्ट 5,880 और ये हो जाएगा 2,940। वर्किंग नोट नंबर 1 खत्म, समझाइए समझाइए सबको, क्या ये समझा बताइए, वर्किंग नोट सब नंबर 1 समझा अभी बताइए फटाफट, यस 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 बताइए, यस वी स्टार्टेड 9:20 बताइए क्या ये वर्किंग नोट आपको समझ गया। पहले वाले सब और इस वाले समय, ये वाले समय डायरेक्टली मैं 1/3 दे दिया था, लास्ट वाले समय में निकालना पड़ा था बस, तो उल्टे का लास्ट वाला समय बस थोड़ा सा और डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं थोड़ा सा और था। क्या ये सबको समझ गया 1/3 वाला पार्ट बताइए। मोहन रॉय बोल रहे यस क्लियर, अदस अदस फटाफट बताइए, मैं तब तक एंट्रीज देख लेता हूँ। ये पहले बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये भी एंट्री सबको आती है, और वर्किंग नोट नंबर 2 भी 1 भी सबको समझ गया है। ऑन द ड्यू डेट
अच्छा कितना रिमिट किया, 8820 रिमिट किया राइट, अच्छा सॉरी 8820 8820 रिमिट नहीं, बैंक के साथ रिमिट्स 1/3, तो 1/3 की एंट्री करने में तो 1/3 मैंने उसको कितना रिमिट किया, मैंने उसको 2940 दिया और इसमें से डिस्काउंट का अमाउंट ये था। तो एक्चुअली मुझे संजय को 3000 रुपये देने थे, तो मैं क्या करूँगा थर्ड एंट्री, मुझे संजय अकाउंट डेबिट, संजय मुझे तुझे 3000 रुपये देने हैं बट मैं तुझे देगा खाली 2960 और बाकी वो हो गया डिस्काउंट। तो ये एंट्री भी मैंने आपको वर्किंग मोड से बता दी सेम तरीके से। आई होप ये भी आपको क्लियर है, सेम फ्लो में जा रहा है पूरा सम, पूरा सम आपका सेम फ्लो में जा रहा है, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना या यूट्यूब में अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है। यस यस, इफ समवन इज फ्रॉम एडनोवेट दे हैव माय डायरेक्ट नंबर, अगर आप एडनोवेट के कोई स्टूडेंट्स को जानते हो तो आप वो वाला नंबर भी ले सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली वो हेल्पलाइन नंबर के थ्रू भी डाउट पूछ सकते हो, डोंट वरी, ओके डोंट वरी। अभी देखिए, अभी आगे बढ़ते हैं। ऑन द ड्यू डेट अमित फेल्स टू रेमिट द अमाउंट टू द संजय, मतलब अनिल ने बिल को डिसऑनर किया है, तो इसका मतलब क्या, अगर अनिल ने बिल को डिसऑनर किया तो संजय ने बिल को क्या किया होगा, कोई मुझे बताइए, अगर अनिल ने बिल को डिसऑनर किया तो संजय ने क्या किया होगा बिल को, बताइए बताइए, अगर अनिल ने, जैसे वो वाले समय एक्स था, एक्स ने बिल डिसऑनर किया तो बिल किसने ऑनर कर दिया होगा, बताइए हु हैज ऑनर्ड द बिल देन, सेम सेम प्रोसेस हो गया, आपको आ गया है, अभी आपको आ गया है, आपको अकोमोडेशन आ गया, मुझे खाली बताइए बिल किसने ऑनर कर दिया है, क्या ये संजय ने बिल को ऑनर कर दिया है, यस बताइए, यस संजय ऑनर दिस बिल इन द बुक्स ऑफ, संजय पूछा नहीं है बट संजय ने क्या ये बिल को ऑनर कर दिया है, यस यस संजय ने बिल को ऑनर कर दिया है, मोहन इज राइटिंग, यस पिनल, यस परफेक्ट परफेक्ट, वेटिंग फॉर अदर्स ऑल्सो, बताइए बताइए बताइए, परफेक्ट परफेक्ट बताइए, यस यस आर्यन परफेक्ट। एंड अभी संजय ने बिल को अगर ऑनर कर दिया है बट ही एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ 12,600, अभी संजय ने अनिल पे बिल ड्रॉ किया तो संजय के लिए बिल रिसीवेबल, अनिल के लिए बिल्स पेबल, तो अभी अनिल के लिए बिल्स पेबल हो जाएगा, तो अनिल के लिए संजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, 9,600 का हमने बिल एक्सेप्ट किया, उसने ड्रॉ किया हमने एक्सेप्ट किया। फिर क्या किया है संजय ने, संजय ने एंड संजय गॉट्स द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो चलो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, अभी मजा आ जाएगा। अनिल संजय टोटल कितने का बिल था, 12,600 का, जिसमें से 12,330 यहाँ पे आ जाएगा, तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूँ 12,600 माइनस 12,330 तो ये 270 रुपीज़ डिस्काउंट करोगे। अभी सर कौन मुझे ये अनिल का अमाउंट बता सकता है, मैं चैट पे वेट कर रहा हूँ, कौन मुझे ये अमाउंट अनिल का बता सकता है, क्योंकि उसने उसको 22,000 अनिल को रिमिट किए, बट गाइस यहाँ पे अभी लगा संजय बेवकूफ, अरे संजय बेवकूफ तुझे अनिल से 6,000 रुपये लेने थे गधे, बट तुझको दे क्यों रहा है, तुझको दे क्यों रहा है, तो एक्चुअल में हिसाब कितने का होगा मुझे कौन बता सकता है, ये ग्रीन कलर के अंदर कितना अमाउंट आएगा बताइए बताइए, ये ग्रीन कलर के अमाउंट, ग्रीन कलर के अंदर कितना अमाउंट आएगा कौन बता सकता है यहाँ पे। सर यहाँ डिसऑनर की एंट्री नहीं की है हमने अनिल के अकाउंट में, अनिल ने नहीं नहीं तनी सुन, हाँ ऑफकोर्स अनिल ने वो डिसऑनर किया है बट एक्चुअली वो बिल ऑनर किसने कर दिया, बैंक को संजय ने ऑनर कर दिया ना, तो एक्चुअली बिल ऑनर ही हुआ है इन ट्रू केस, उसने तो पैसे, मतलब बिल ऑनर हो गया है, आई नो कि अनिल ने पैसे नहीं दे पाए बट अनिल के पैसे संजय ने दे दिए ना, इसलिए यहाँ पे वो डिसऑनर की एंट्री नहीं की है। ओहो आप लोग आंसर दे रहे हो, लेट्स चेक यस 6,000 पहले का हिसाब प्लस 22,220 परफेक्ट 8,220 सुपर्ब गाइस सुपर्ब वेरी गुड वेरी वेरी गुड 8,220 और अभी हम इससे इसका रेशियो निकालेंगे 8,220 डिवाइड बाय 12,330 ये भी नसीब से आपका सेम आ रहा है 2/3 1/3 बट मैं वापस बता देता हूँ ये 2/3 1/3 सेम नहीं होता है ये आपके लक अच्छे है कि भाई 2/3 1/3 में बैठ गया ऐसा नहीं होता है एग्जाम में एक बार सम आया था जब पहले सम का रेशियो अलग था दूसरे का अलग था परफेक्ट गाइस सुपर्ब यही तो था आपने अकोमोडेशन को क्रैक कर लिया है अभी हर एक चीज़ को हम डिवाइड कर लेंगे इंटू 2/3 ओके काफ़ी लोगों ने आंसर भी दे दिए थे नाइस 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 सुपर्ब 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 गाइस मैं फटाफट इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ
सुपर वर्किंग नोट नंबर टू देन, सबको क्लियर है, बताइए बताइए बताइए, अभी मजा आया, अभी अकोमोडेशन इजी हो गया। हाँ प्लीज, जो तनिष ने पूछा था पहले वाली बिल के डिस्काउंट की एंट्री मत करना, क्योंकि ऐसे भी हमने पहले वाली बिल की, उसने ऑनर की एंट्री की तो गधे जैसा लगेगा, उसने ऑनर की एंट्री की, मैंने डिस्काउंट की एंट्री की, ये क्या है, एक ही चीज़ ऑनर भी हुई एक ही चीज़ डिस्काउंट भी हुई, क्योंकि वो वाली उस संजय के बुक्स में ऑनर की एंट्री हुई रहेगी। याद रखना ऊपर वाले सब में भी एक्स ने जब पैसे नहीं दिए थे तो वाई ने बिल की ऑनर की एंट्री की थी, तो पहले वाले बिल की डिस्काउंट की एंट्री मत पास करके आ जाना। चलो क्लियर गाइस, आई थिंक अभी सबको अच्छे से आ रहा है, सबने आंसर, इतने सारे लोगों ने आंसर दिया है, फटाफट बताइए फटाफट बताइए, अभी क्लियर हो रहे हैं। टीना आपने भी, आई थिंक मैं आपको जानता हूँ, आप एंड्रॉइड में आते थे, आपको इसके ऊपर डाउट्स रहते थे, बट अभी आई थिंक आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन में, मुझे देखने दीजिए, 12,600 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ओके 8,400, सो सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मैंने, ओके ओके ग्रेट 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 ग्रेट, प्रथम, अच्छा प्रथम आप भी हो, अच्छा गाइस ये टाइम प्रथम क्लियर 100% हो जाएगा आपका, यस यस सबका हो जाएगा, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे पहचाने वाले नाम अभी मैं देख पा रहा हूँ। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर। तो अभी गाइस आपको मालूम है कि जब ही संजय ने अनिल को 220 दिए तो बट डिस्काउंट काट के दिया रहेगा, तो 180 रुपीज़ डिस्काउंट होगा और ये अमाउंट काट के दिया होगा, तो ये डिस्काउंट किया एंट्री 180 रुपीज़ डिस्काउंट का अमाउंट होगा जो हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डिस्काउंट है उसमें जो 220 दिए, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, 2,400 आ गया, ये भी आपने क्रैक कर दिया है, ये भी आपने क्रैक कर दिया, सुपर सुपर गाइस। वर्किंग नोट आपने बना के, अभी आप कोई भी सम घर पे बैठ के आज करो, अकोमोडेशन के लेटेस्ट पेपर में भी आया था, उसके पहले भी एक बार पेपर में आया, आप सॉल्व कर दो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। अभी आगे बढ़ते, बिफोर द मैच्योरिटी अनिल बिकेम इंसॉल्वेंट, तो अनिल ने दूसरा वाला बिल डिसॉल्व कर दिया, दूसरा वाला बिल कितने का बना था अनिल के ऊपर, 12,600 का, ये बिल डिसऑन हो गया, बिल्स पेबल टू संजय इन द बुक्स गाइस, ये सब आई थिंक मेरे को आपको ड्यू डेट निकालनी आती है, तो ये 12,600 वाला बिल डिसऑन हो गया, बट ओनली 50 पैसे ना रुपये को भी पेड, तो एंट्री सबको मानी है, बट सर ये अमाउंट कैसे मिलेगा, शॉर्टकट क्या बताया मैंने आपको, शॉर्टकट क्या बताया मैंने आपको, शॉर्टकट बताया ना आपको, क्या करना है, वर्किंग नोट में जाना है और ये अमाउंट आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा, किधर गया किधर गया, ये रहा ये अमाउंट की लास्ट एंट्री, ये अमाउंट की लास्ट एंट्री, 8,400 को आपने कर दिया 50-50, दैट्स इट, अकोमोडेशन इज डन, अकोमोडेशन इज डन। कौन सी वाली एंट्री चाहिए बोलता है, इस एंट्री कौन सी वाली एंट्री आपको नहीं समझ रही तनिष, मैंने बाकी लोगों को क्लियर हो गया, बट किस कौन सी वाली एंट्री आपको चाहिए बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। सर एंट्री नहीं समझी, कौन सी वाली एंट्री नहीं समझी, ये तो बिल ड्रॉ करने वाली तक की एंट्री, यहाँ तक तो समझा होगा आई थिंक, ये वाली बिल जो नया बिल एक्सेप्ट किया, कौन सी वाली एंट्री आपको चाहिए तनिष अग्रवाल बताइए, 4,200, यस यस परफेक्ट टीना, 4,200, 50-50%, यस। चलो तनिष के डाउट देख लेते हैं, यहाँ पे ही है तो ये मैं कहते हैं, आई थिंक बाकी लोगों का ऋतिक का, मधुरा, टीना, सुपर सुपर सुपर, अदर्स भी बताइए, वर्किंग नोट नंबर टू क्या चाहिए आपको, वर्किंग नोट नंबर टू में बताइए कौन सा वाला अमाउंट चाहिए बताइए, कौन सा वाला अमाउंट चाहिए आपको, आपको ये तीनों तो समझा होगा, ये तीनों तो क्वेश्चन से ही उठा के फेंका है मैंने यहाँ पे, मैंने क्या बोला था, अगर वो उसको 220 रेमिट कर रहा है, पहले शॉर्टकट बता देता हूँ, तो ये वाले अमाउंट में आप है ना काम कीजिए, ये वाले अमाउंट को ऐड कर दीजिए 6,000 को, और ये अमाउंट को आप लिखना है, ये आपको शॉर्टकट बता दिए, बट अगर आपको लॉजिकली बोलूँ, एक्चुअली संजय को अनिल से पैसे लेने थे 6,000 रुपये, बट तो भी वो उसको पैसा दे रहा है, तो एक्चुअली सिस्टम क्या हो रहेगा, अनिल और संजय के बीच में 8,220 का हिसाब होगा, जिसमें जो 6,000 रुपया है संजय ने बोला कि तेरा बिल का तो मैंने पे कर दिया, तो ये ले 220, तो एक्चुअली दोनों का हिसाब कितना था 8,220 का। सर एंट्री बता दो वर्किंग नोट वाला, अच्छा एंट्री कैसे, अभी सिंपल है, अनिल के को कितना पैसा मिला, डेबिट वॉट कम्स इन 220 मिला, बट अनिल को पैसे मिले तो उसका डिस्काउंट भी उसको ट्रांसफर हुआ, तो डिस्काउंट मेरे लिए डेबिट है अनिल के लिए 180, और ये कौन दे रहा है, संजय दे रहा है, ये संजय को हमने क्रेडिट कर दिया, तो ये आ जाएगा आपको अमाउंट, अभी समझा। वाली एंट्री
एवरीवन बताइए, अभी समझा? नाउ क्लियर? तनिष बताइए, चलो बाकी लोग बताइए, जितने भी लोगों ने बोला था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कि अकोमोडेशन ऑफ बिल क्या ये अभी इजी इजी लग रहा है, सब लोग चैट पे इजी लगेंगे, काफी लोग नहीं है, थोड़े लोग ब्रेक के बाद चले गए हैं, बट अगर सबको इजी लगा है फटाफट चैट में लिखिए अकोमोडेशन इजी 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 लिखिए, इजी इजी इजी, चलो कितने इजी आते देखते, और जिनका लाइक करना बाकी है प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इजी है तो फटाफट इजी 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 लिखते, भाई आप कोई भी सम कर सकते हो, आरटीपी हो या एमटीपी हो या पांच भी बोलो, शॉर्टकट भी बता दिए, फटाफट इजी 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 लिख दीजिए, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वर्ड इजी फ्रॉम यू ऑल, सुपर, चलो थैंक यू रितिका, ठीक है, इंस्टॉलमेंट की एंट्री तो मैंने बताई थी ना अभी ऊपर में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्या होती है, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट डीसीडी, बट ये 8400 कैसे आया, मैंने आपको शॉर्टकट कैसे बताया, 8400 आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, वर्किंग नंबर टू के ये वाले अमाउंट से शॉर्टकट ईजी, चलो काफ़ी लोगों ने ईजी लिख दिया है, अदर्स बताइए, और जो लोग देख रहे हैं ईजी लग दिया तो एक बार ईजी बता दीजिए, सो गाइज आई होप मैंने आपके लिए अकोमोडेशन अभी बहुत इजी कर दिया है, यू कैन ट्राई दी सम्स, अच्छा सो सिंपल सो इजी जस्ट लाइक सो इजी, ओके थैंक यू सो मच विनीत, देखो आई थिंक बेसिक सम्स आपको आते हैं, किसी ने मुझे थर्ड नंबर का सम बोला था, थर्ड नंबर के सम में ओके, थर्ड नंबर का सम काफ़ी अच्छा सम है, चाहिए तो वो भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे, चलो थर्ड नंबर वाला सम बिल्स पेबल टू संजय वाली एंट्री, कौन सी बिल्स पेबल टू संजय वाली एंट्री, बिल्स पेबल टू संजय, अरे तो डिसऑनर की एंट्री है ना गाइस, उसने वो वाला बिल डिसऑनर किया था ना, ये वाला बिल जो एक्सेप्ट करके उसने डिसऑनर किया, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, बिल्स पेबल डेबिट होगा, और दिखा ना मैंने चार्ट में भी लिखवाया था, देखो चार्ट में भी लिखवाया था, कहाँ पे गया चार्ट, ये देखिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ डिसऑनर की एंट्री, ये रहा, Yes, आज मेरे ऑफकोर्स अगर आपको कोई डाउट है आई विल टेक दिस सम कल, मेरा एक्चुअली थोड़ा सा अनइजीनेस जैसा हो रहा अभी गले पे, बट व्हाट वी विल डू टुमारो, समवन हैज टोल्ड मी कि सर एक बार सम नंबर ये वाला सम चाहिए, राइट आपको ये वाला सम आपको चाहिए, ओके किसने बताया था, किसने मुझे बताया था चैट पे दे वॉन्ट दिस सम, चलो थैंक यू सो मच तनिष, ये वाला सम चाहिए था राइट, चलो काम करते हैं, कल मैं फर्स्ट डे थोड़ा सा मेरा जा रहा है, तो कल हम लोग ये सम कंप्लीट करके एक नया सम लेंगे, ये सम कंप्लीट करके हम नया सम लेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइन पक्का ये सम भी कर देंगे, किसने मुझे क्वेश्चन में पूछा था तो ये भी कर देंगे, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि ये सम कराओ तो मैं ये सम करवा दूंगा, चलो ये वाला सम भी कर देंगे, कल स्टार्टिंग में फ्रेश होके ये सम लेंगे, आज मैंने ब्रेक वेक भी नहीं लिया है ज़्यादा, चलेगा एवरीवन, दिस सम जॉर्ज वाला एक बार आप भी घर पर ट्राई करना, तो मैं डायरेक्टली ये सम आपको करवा दूंगा, जॉर्ज वाला सब, जॉर्ज एंड हैरी वाला, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए ऐसे भी हमने दो दिन रखे, तो कल वो रख के हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके एवरीवन इन द चैट्स बताइए, आई हैव टू सी कल कौन सा चैप्टर शेड्यूल है, आई एम जस्ट चेकिंग, बट ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग नया चैप्टर ही देंगे, कौन सा है वो मुझे देखना पड़ेगा, चलो फटाफट फटाफट बता दीजिए, फटाफट एवरीवन देयर, यस ओके सर, ओके सर एक बार लिख दीजिए, ओके 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 सर, ओके सर, चलिए, और गाइस एक बार लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक भी कर दो, 112 ही है आज, कल तो भाई 140 150 थे, 140 जितने थे, आज तो ज़्यादा लोग आए नहीं लग रहे, कहाँ पे गए आज ओके 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 चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, कल आई थिंक मैं देखता हूँ कौन सा चैप्टर है, अप्रूवल वाला है कि क्या है वो हम देखेंगे,
ओके फाइन, तो कल मुझे याद करवाना, फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू दिस सब, ओके एंड देन वी विल गो टू अनदर थिंग्स। सब भी कुछ करना है तो डोंट वरी, हमें सब भी कुछ तो करने ही वाले हैं। ओके चलो गाइस, मैं कल बिल्स ऑफ एक्सचेंज करने के बाद आई विल सर्च चेक, आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर, मोस्टली सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल या इन्वेंट्री में से कुछ होगा, लेट्स सी। यस यस ओके, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स भी करेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट भी करेंगे। पार्टनरशिप तो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत 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 ईजी कर दूंगा, बहुत 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 ईजी कर दूंगा, ठीक है। अभी एक्चुअली बोलो ने कल पूरा दिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अलॉट किया है, बट कल बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मेरे हिसाब से सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल ही है 99%। आई विल जस्ट चेक ऑल्सो वन सेकेंड, ओके चलो गाइस, तो कल मिलते हैं, आज थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं, टुमारो वी विल स्टार्ट विद दिस सम एंड वी विल गो हेड। अभी भी जिन्होंने लाइक करना बाकी प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट में आप अच्छे कमेंट्स डाल सकते हो इफ रिक्वायर्ड, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको जितना भी आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते जाएंगे धीरे धीरे धीरे, एंड आई होप आपके एग्जाम बहुत अच्छा 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 जाए। ओके चलो तो आज के लिए गाइस वाइंड अप करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। एनीथिंग, किसी को कुछ पूछना है बिफोर यू वाइंड अप? मैं पूछूंगा जय जय देसाई, डोंट वरी मैं पूछूंगा। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर द डे गाइस, ओके चलो थैंक यू, ओके थैंक यू गाइस।